हेलो बच्चों, नमस्कार। राजधानी फाउंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं मालाराम मोदी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आज हम जो हैं संडे को यहां पे जो मेजर टेस्ट हुआ था, पहला टेस्ट हुआ था, उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। अगर आपने टेस्ट दिया होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी दिया होगा, तब उसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो कि आप कितने नंबर उसमें पा रहे हो, कितने आपके गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं बायोलॉजी का सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद कंटिन्यू और सब्जेक्ट वाइज आपके जो हैं पेपर सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप और दूसरी बात, जो बच्चे टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप जो हैं अपना इवेल्युएट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये टेस्ट जो हैं आपके हेल्प कर रहे हैं। आप पेन कॉपी लेके बैठिए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को घर बैठे इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जो हैं बायोलॉजी का शुरू करेंगे। पहले एक बार अपने आसपास के सब दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि जो है ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है, फिर हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ जी, एक जना आ गया है। इसके अलावा और फटाफट फटाफट, अगर मेरी आवाज़ मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ सही से आ रही है, सभी कमेंट में यस लिख के मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। आवाज़ अगर क्लियर है, मैं दिख रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, यस, हाँ जी, तो जवाब आने लग गए हैं सभी के। ठीक है, हाँ जी, यस या नो, यस या नो कमेंट करके बताइए। आज की फिर क्लास को शुरू करेंगे। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके, तो हरी झंडी मिल चुकी है बच्चों आपसे, अब शुरू करेंगे हम बायोलॉजी का। ठीक है, इसके बाद आपके दूसरे सब्जेक्ट वाइज होते रहेंगे। तो इस और हाँ, जिसको ये पीडीएफ चाहिए, जिस इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे आपको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो इसको घर बैठे जो है उसका प्रिंट आउट लेके भी इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पहला जो है क्वेश्चन हमारे बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार जीवित कोशिका को देखा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, जीवित कोशिका। देखो, दो तरह से इसको सॉल्व करने के लिए दो क्वेश्चन आता है कि पहली बार कोशिका को देखा। ठीक है बच्चों, पहली बार कोशिका को किसने देखा, प्लस पहली बार जीवित कोशिका को किसने देखा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं बच्चों, इस एक ही सवाल से खूब सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पहली बार कोशिका को देखा था रोबोट हुक ने। किसने देखा था, रोबोट हुक ने। जबकि बच्चों, जब अगर बात करें रोबोट हुक ने क्या किया था, पहली बार कोशिका को देखा था, लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो रोबोट हुक ने जो कोशिका देखी थी ये कैसी थी, मृत थी। और कौन सी कोशिका थी, कॉर्क कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी बच्चों, कॉर्क कोशिका थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, जो कॉर्क होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, उस लकड़ी के टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा, उन्होंने पता लगाया, उनको क्या दिखा, रोबोट हुक को क्या दिखा, इस तरीके के कंपार्टमेंट दिखे। ठीक है बच्चों, इस तरीके के हेक्सागोनल कंपार्टमेंट दिखे। तो इन्होंने बस इतना ही बोला था कि कुछ ऐसे कंपार्टमेंट जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि शायद सेल कहलाती है, मतलब बाद में और भी इसका नाम हो गया तो सेल। ठीक है, लेकिन जब बात करें कि पहली बार जीवित कोशिका को देखा, तब एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन आता है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देखा। ठीक है बच्चों, पहली बार जीवित कोशिका को, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। या क्वेश्चन आ जाए, पहली बार कोशिका को देखा, रोबोट हुक। पहली बार मृत कोशिका को देखा, रोबोट हुक। पहली बार कॉर्क कोशिका को देखा, रोबोट हुक। लेकिन पहली बार जीवित कोशिका को देखा, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक ही क्लास में आपके दो क्वेश्चन और सॉल्व हो रहे हैं, प्लस इसके अलावा छोटी छोटी चीजें और भी हैं, दो तीन चार, जैसे कि इन्होंने क्या किया। तो ये जो है आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इन साइंटिस्टों से रिलेटेड, और वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी, सबके सही जवाब है, एकदम क्लियर जवाब है। ओके ओके, राधे राधे, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है या था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ठीक है बच्चों, पहले इस तरफ आ जाते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है, क्या
किसकी बात कर रहे हैं? सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, शायद आपको पता होगा, और जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब पहली बार इस दुनिया में कोशिका के बारे में पता ही नहीं था, लोगों को कुछ आइडिया नहीं था, तब दो साइंटिस्ट थे, एक तो जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, एक तो वनस्पति के वैज्ञानिक थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों ने अलग अलग रूप से अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया था जिसे बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। वो जो साइंटिस्ट थे वो आपके आंसर आ चुके हैं, वो आंसर आ चुके हैं। देखो कौन कौन से, स्लाइडेन व स्वान, रुडोल्फ विचो, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो इसका आंसर जो है स्लाइडेन व स्वान जाएगा। स्लाइडेन इसका जो है कोशिका सिद्धांत कौन, किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान, ठीक है बच्चों। ये दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया। लेकिन बच्चों इससे ही इतना ही नहीं है, इसके आगे भी याद रखो, कोशिका सिद्धांत जो दिया था इन्होंने सिर्फ दो बातें बोली थी, सभी जीव किससे मिलके बने होते हैं? कोशिका तथा उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। बस स्लाइडेन और स्वान ने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि सारे जीव, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ किससे? कोशिका और उसके उत्पाद। उत्पाद कौन? उत्तक। तो कोशिका और उसके उत्पाद या उत्तकों से मिलकर बने होते हैं, बस इतनी सी बात बोली थी। बाकी तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, ये बात तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब इनको पूछा गया कि भाई मुझे ये बताओ कि ये कोशिका आती कहाँ से है, ये कोशिका आती कहाँ से है, कोशिका ठीक है कोशिका का बना होता है, लेकिन कोशिका कहाँ से आएगी, कोशिका बनी कहाँ से, नई कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होगा, तब जो है एक साइंटिस्ट और आया। कौन साइंटिस्ट था? वो था रुडोल्फ विट्सो, दो नाम बोलो। इन्होंने क्या किया, पहले वाली जो कोशिका सिद्धांत जी, जो कि स्लाइडेन और स्वान ने जो बात बोली थी उस बात को तो रखा, लेकिन इन्होंने बोला देखो मैं बताता हूं कोशिका कहां से आती है। तो इन्होंने ये बताया कि पहली जो नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। कहने का मतलब रुडोल्फ विट्सो आए और एक बात बोली कि पहले से स्थित कोशिकाएं जो हैं उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये बात जो थी, इसे ये कहते हैं सेल लीनिएज थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल लीनिएज थ्योरी। तो क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन व स्वान। बस इतना ही सीमित नहीं रहना है बच्चों, इसके साथ आपको ये याद रखना है कि इस कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किसने किया था, मॉडिफाइड किसने किया था, तो रुडोल्फ विट्सो ने जो है मॉडिफाइड किया था। इसलिए इस रुडोल्फ विट्सो वाली जो कोशिका सिद्धांत है इसको बोलते हैं सेल लीनिएज थ्योरी। क्या बोलेंगे? सेल लीनिएज थ्योरी। लीनिएज मतलब कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो बताने वाली जो थ्योरी थी वो किसने बताई थी? तो रुडोल्फ विट्सो ने बताई थी। ये बात आपको याद रखना है बच्चों। आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा, सबके आंसर भी आ चुके हैं। इसका आंसर जाएगा स्लाइडेन व स्वान, इसका आंसर जाएगा इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यही क्वेश्चन जो है घूम के आ सकता है कि उसको रूपांतरित किसने किया, तब जो है रुडोल्फ विट्सो जो है आंसर देता है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, अभी बताया उसी क्वेश्चन को आगे किया है। ओमनिस सेलुलाई सेलुला, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, ये अवधारणा किसने दी और कोशिका सिद्धांत को संशोधित किया या रूपांतरित किया या मॉडिफाइड किया? ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने बताया रुडोल्फ विट्सो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को बदलाव किया, ये चीज याद रखना। ओमनिस सेलुलाई सेलुला, क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। देखो बच्चों, आज हम जो है
हेलो हेलो, आवाज आ रही है अभी? अभी बताओ, आवाज आ रही है बच्चों? अभी आवाज क्लियर है? क्या मैं आपको ऑडिबल हूं? क्या मैं आपको ऑडिबल हूं? यस या नो? इज आई एम ऑडिबल टू यू? बच्चे आवाज आ रही है कुछ? यस या नो? यस या नो, आवाज आ रही है क्या? आ गई, ठीक है, आ गई, ओके, चलो आगे का शुरू करते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने अनुवांशिक पदार्थ नग्न अवस्था में, इंपॉर्टेंट है, नग्न अवस्था में पड़ा रहता है? देखो, अनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब जो है आपको याद होना चाहिए कि यह कोई कोशिका है, ठीक है बच्चों, क्या है यह? कोई कोशिका है। इस कोशिका में क्या होता है? एक केंद्रक होता है, ठीक है, जैसे कि ये हो गया, इसका केंद्रक हो गया, ठीक है बच्चों, कोशिका, उसका केंद्रक, और इस केंद्रक में क्या होता है? यहां पे जो है अनुवांशिक पदार्थ जो है, हाँ जी बच्चों, अब आवाज आ रही है मुझे? यस या नो लिखो फटाफट फटाफट बच्चों, फटाफट, टाइम खराब नहीं करना, ठीक है, हो जाता है टेक्निकल इश्यू हो जाता है। आवाज आ रही है क्या? यस या नो फटाफट, यस या नो? हाँ जी, अभी आवाज आ रही होगी, ठीक है, अभी क्लियर है आई थिंक? यस या नो, आंसर दो फटाफट फटाफट, यस या नो बच्चे फटाफट। आगे बढ़ते हैं, वॉइस आ रही है क्या? आपको आवाज सुनाई दे रहा है? चलो ओके, यस, हे प्रभु क्या करें, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि ये बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिस पे
केंद्रक जो है नहीं पाया जाता या केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती। देखो बच्चों याद यही रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उसके ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर, उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, और जहां पे जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उस एरिया को बोलते हैं केंद्रक काब। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रक काब, केंद्रक जैसा दिखने वाला जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे हम हो गए, प्लांट्स हो गए, बाकी सारे एनिमल्स हो गए, वो सारे यूकैरियोटिक्स में आते हैं, और ये एडवांस लेवल की है, ट्रू प्रकार की, एक सत्य प्रकार की कोशिका है जिसमें एक प्रॉपर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक की दोनों झिल्लियां पाई जाती है, और केंद्रक के जो दोनों झिल्लियों के बीच में जो है उसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए पाया जाता है। इसीलिए हमारे जो कोशिकाओं में जो है वो ढका हुआ होता है, इसमें जो है ढका हुआ नहीं होता है, नग्न अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। यस या नो, फटाफट आंसर दो, यस या नो क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग होता है। कहने की बात ये कर रहा है कि इनमें से जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार में पाया जाता है। यस, आंसर दो फटाफट, फटाफट आंसर दो बच्चों, फटाफट आंसर दो। इसमें से कौन सा सही होगा जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है? हाँ जी, और आपका असेसमेंट करते रहना, साथ साथ लिखते रहो कि कितना सही कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये वही टेस्ट है जो यहाँ जो है ऑफलाइन में बच्चे टेस्ट दिए हैं, ये वही टेस्ट है जो बच्चे आप जो ऑनलाइन कोर्स खरीद के टेस्ट दिए हैं, और आप लोग जो फ्री में देख रहे हो, सेम टेस्ट है, सेम क्वेश्चन पेपर है, आपको जो है अपना असेसमेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका आंसर जो है वो राइबोसोम जाएगा। क्या बात बता रहा हूं मैं, देखो समझने की बात है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा? 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 70S तथा 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, राइबोसोम पाए जाते हैं, बस इतना ही नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आगे जाओ। जो 70S है ये किसमें? प्रोकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके कोशिकांग में पाया जाता है। किसमें? कोशिकांगों में पाया जाता है, कोशिकांगों में पाए जाने वाला राइबोसोम, कोशिकांगों में पाए जाने वाला राइबोसोम। ठीक है बच्चों, जबकि ये जो है कोशिका द्रव्य में, कौन से में? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला। तो ये याद रखो, जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सब जगह पाया जाएगा, नहीं, उसका जो कोशिकांग है, कोशिकांग के अंदर जो पाया जाएगा वो जो है 70S राइबोसोम होते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, ये याद रखो। अच्छा, इसके अलावा 70S राइबोसोम को अगर तोड़े तो बड़ी यूनिट जो है, एक तो बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। ठीक है, जो बड़ी यूनिट है वो होती है 50S की, जो छोटी यूनिट है वो 30S की होती है, ये याद रखना। जबकि 80S जो है, 80S उसकी जो बड़ी यूनिट है, और एक होती है छोटी यूनिट। ठीक है बच्चों, जो बड़ी यूनिट है वो 60S की होती है, छोटी यूनिट 40S की होती है, ये याद रखना बच्चों। इसी एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कोई ये मत समझ जाना कि सर 60 और 40 तो मिलके 100 हो जाता है, 50 और 30 मिलके क्या कहते हैं 80 हो जाते हैं, नहीं, ये जोड़ने का नहीं है, ये उसका सेडिमेंटेशन की रेट है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो आपके जवाब आ गए थे किसी के गलत किसी के सही, जिसके गलत थे उसने डिलीट कर दिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप राइबोसोम के बारे में, उसकी कहानी के बारे में। अच्छा, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका की जो है प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कौन बोलता है, किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं, ये भी याद रखना है। राइबोसोम के बारे में एक चीज याद भी याद रखो कि क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। अच्छा, राइबोसोम का निर्माण कहां से होता है? राइबोसोम का निर्माण कहां से होता है? राइबोसोम का निर्माण बच्चों फटाफट, राइबोसोम का निर्माण, निर्माण जो है केंद्रिका में। अब ये बताओ ये कौन सी बला है, केंद्रिका क्या है? केंद्रिका, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली संरचना जिसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, उससे जो है राइबोसोम का निर्माण होता है, ये भी याद रखना। ठीक है बच्चों, आगे चले, यस या नो समझ में आ गया? यस या नो कमेंट करते रहना, समझ में आ रहा है ना सभी को? चलो आगे चलते हैं। बैक्टीरिया का कोशिका आवरण बना होता,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आ रहा है तो कर लोगे, नहीं आ रहा है तो कितना भी कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा। यस बिल्कुल बिल्कुल सबका सही बात। ओके नमस्कार, नमस्ते बच्चे। चलो बैक्टीरिया की देखो, एक इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने आप पढ़ लो, सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा झिल्ली। अगली बार प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति दो ही पाई जाएगी, सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद कोशिका भित्ति और उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। बताओ इसका सही जवाब, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे तो डाल देते हैं क्वेश्चन को। चलो अब जो है आ जाते हैं बैक्टीरिया की संरचना पे, बैक्टीरिया की संरचना पे आ जाते हैं, बैक्टीरिया जो है कैसा दिखता है। देखो कोई भी बैक्टीरिया जो है इस तरीके की संरचना होती है। ये अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, ये जो है एक परत होती है, इसके बाद इसके अलावा एक और परत होती है, ठीक है, एक और परत होती है, हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसके अलावा एक और परत होती है। टोटल जो है बैक्टीरिया के अंदर तीन परत होती है, याद रखना बच्चे, कितनी परत होती है बैक्टीरिया के अंदर, तीन परत होती है, सबसे बाहर बीच वाली और सबसे अंदर होती है। पहली बात तो ये, तो इसका जब क्वेश्चन आता है, जीवाणु की जो आवरण होता है त्रिस्तरीय होता है, कौन सा होता है, त्रिस्तरीय होता है, ठीक है, तो इस तरीके से तीन स्तर का बना हुआ होता है। सबसे बाहर जो होता है ये जो कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स, क्या कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स, बच्चों याद रखना ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है, इसके बाद जो अंदर वाला है ये अंदर वाला जो है ये वाला, ये जो है कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है बच्चों, कोशिका भित्ति। अच्छा इसके बाद सबसे अंदर जो होता है ये कहलाता है कोशिका झिल्ली, ये जो अंदर वाली जो है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो तीन लेयर होती है, त्रिस्तरीय होती है, कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली, ठीक है बच्चों, त्रिस्तरीय, कौन सा तीन, त्रिस्तरीय। तो बैक्टीरिया की जो आवरण होते हैं तीन स्तर का होता है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर कोशिका भित्ति, सबसे अंदर कोशिका झिल्ली, इस तरीके से जो है इसके आवरण पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है कोशिका भित्ति, अच्छा ये भी पूछ लेते हैं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु की पेप्टाइडोग्लाइकेन, किसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन, अगर नहीं पता है तो ये बच्चों याद रखो, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसे जिसमें क्या म्यूरिन जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, म्यूरिन पाया जाता है, तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है बच्चों। तो कोशिका का आवरण जो है, क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया का आवरण की बात कर रहे हैं, तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद कोशिका भित्ति और सबसे अंदर प्लाज्मा झिल्ली, आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। किस किस का सही जवाब, यस ओके सबका, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपने आसपास के दोस्तों को भी, नहीं एग्रीकल्चर का नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर का इसके बाद होगा, अभी बायोलॉजी का चल रहा है, इसके बाद एग्रीकल्चर का होगा, इसके बाद आपके केमिस्ट्री का होगा, इस तरीके उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री का होगा, तो आप जाना नहीं है, दो तीन घंटे कंटिन्यू जो है आपको बैठे रहना है। अच्छा मीजोसोम के बारे में क्या सत्य है, अब आपको पहले ये पता होना चाहिए मीजोसोम क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरिया है, इसके बाहर वाली परत ये जो है इसके ग्लाइकोकैलिक्स की, ये कोशिका भित्ति की, लेकिन इसके अंदर जो होती है ये कोशिका झिल्ली होती है, इस तरीके की, और कोशिका झिल्ली में जो अंदर की तरफ ऐसे वलयन होता है, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे वलयन होता है, तो ये वलयन जो कहलाते हैं ये कहलाता है मीजोसोम, क्या कहलाता है मीजोसोम, ठीक है, ये कहलाता है क्रोमेटोफोर, क्या कहलाता है क्रोमेटोफोर। तो क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरिया की आंतरिक झिल्ली का कोशिका द्रव्य की तरफ अंदर की तरफ जो विस्तार है वो क्या कहलाता है, तो जब आपके सामने मीजोसोम हो तो मीजोसोम ही करोगे, लेकिन दोनों ऑप्शन हो तो दोनों को टिक करोगे, क्रोमेटोफोर भी जो है आंतरिक वलन होता है। ये जो है मीजोसोम के काम क्या क्या है, तो ये सारे काम है, कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक करता है, इसके अलावा श्वसन में भी सहायक करता है, इसके अलावा डीएनए की प्रतिकृति करने में भी सहायक करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है डी जाएगा, किस किस का सही जवाब, यस है बच्चों बताओ, यस ऑल, सभी सही लग रहे हैं, बिल्कुल सही है,
सभी के सभी सही जवाब है बच्चों। आगे चलते हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत का तुरंत बता दिया करो। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु कोशिका में सबसे लंबा भाग क्या होता है? अच्छा, जीवाणु की बात कर रहे हैं। जीवाणु के अंदर जो है, अभी मैंने बताया, ये एक जो है बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाद कोशिका भित्ति, उसके बाद ये जो है जीवद्रव्य झिल्ली कहो या कोशिका झिल्ली कहो। अब इसके बाद जो है एक चीज और याद रखना, क्या बच्चों? ये जो होता है, इस जगह पे ऐसे एक संरचना होती है, ये संरचना क्या कहलाती है? ये कहलाती है कशाभिका। क्या कहलाती है? कशाभिका या फ्लैजिला, ठीक है बच्चों। अंग्रेजी में फ्लैजिला बोलते हैं, हिंदी में कशाभिका बोलते हैं। तो ये जो कशाभिका है, इस कशाभिका के तीन भाग होते हैं। सबसे अंदर जो भाग होता है इसे बोलते हैं, ये जो अंदर वाला, ठीक है, ये अंदर जो वाला भाग है इसे बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। ये यहां से, जहां से ये हुक की तरह ऐसे मुड़ गया है, इसे बोलते हैं अंकुश, अंकुश या हुक, अंग्रेजी में हुक बोलते हैं। और ये जो है इसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट या तंतु, ठीक है बच्चों, इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो आप पूछ रहे हैं हुक, बेसल बॉडी, फिलामेंट या पिलाई, इनमें से कौन से जो है सबसे, पिलाई जो होता है इस तरीके के, इसके ऊपर एक नली जैसी संरचना होती है बैक्टीरिया के, वो होती है पिलाई। तो बताओ इसमें से सबसे लंबी जो संरचना कौन सी है? तो इसमें सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कौन सा है, फिलामेंट या तंतु जो है इसका सबसे लंबा जो है संरचना है। सी आंसर इसका सही जवाब जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपके बच्चों के सबके आंसर जो है सही जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस रूप में पाया जाता है? फिर ये ज्यादातर जो है, अभी प्रोकैरियोटिक जैसा जैसा चल रहा है वैसे वैसे आपका टेस्ट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें ज्यादातर सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आता है। जैसे ये कोई बैक्टीरिया की जो है तीनों स्तरीय लेयर होगी, ठीक है, एक ही मैं बता रहा हूँ, तीनों स्तरीय लेयर। इसके अंदर जो ये कोशिका द्रव्य होता है, इसके अंदर आपको पता है कौन से है, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। इस तरीके से ये 70S राइबोसोम जो पाए जाते हैं, ये mRNA से जब जुड़ जाता, क्या है ये mRNA, क्या है होता बच्चा, वो mRNA। और ये क्या है, 70S राइबोसोम। जब mRNA पे 70S राइबोसोम जुड़ जाते हैं एक के बाद एक, तो इस पूरी संरचना को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉली मतलब बहुत सारे, और राइबोसोम मतलब बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए, ठीक है, राइबोसोम, इसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो ये जो है स्ट्रक्चर कहलाती है पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर इसका सही जवाब। बिल्कुल सबके सही बात है, सबके आंसर सही आ रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। कोई भी आपको कंफ्यूजन है तुरंत बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका सोल्यूशन कर लेंगे। आपको आई होप समझ आया होगा, यस या नो, सभी यस या नो करके भेजो फटाफट। समझ आ गया? आगे चलें, यस या नो। हाँ जी, आगे चलते हैं। केंद्र की खोज किसने करी थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सीधा सा वैज्ञानिक से आ जाता है। तो वैज्ञानिक से क्वेश्चन है, केंद्र की खोज किसने करी थी? केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ये चीज याद रखना। इसके अलावा स्लाइडन व स्वान कोशिका सिद्धांत को दिया था, क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत को दिया था। अच्छा, इसके अलावा रुडोल्फ विट्सो मॉडिफाइड या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज और जो है रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका को देखा, चाहे वो मृत कौन सी थी, मृत को सबसे पहले कोशिका को देखा, बस इतना याद रखना। अगर पूछे कौन सी कोशिका थी, तो कॉर्क कोशिका थी जो कि मृत थी, ठीक है। तो कोशिका की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने करी थी, कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर जो है, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है बच्चों। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो हर क्वेश्चन का जो है कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, अच्छा, कोशिका सिद्धांत हमने पढ़ा कि सारे जीव कोशिका तथा उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात, कोशिका जो है जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तीसरा,
जितनी भी कोशिकाएं हैं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से निर्माण होता है। ये जो है सेल थ्योरी का जो है आपके स्टेटमेंट है। जब आपको पूछे कि सेल थ्योरी के क्या क्या स्टेटमेंट है, ठीक है, सेल थ्योरी के क्या क्या स्टेटमेंट है, तो तीन स्टेटमेंट। एक तो सभी जीव किससे, सभी जीव जो कि किससे, कोशिका और उसके उत्पाद से मिलके बने होते हैं। उत्पाद मतलब उत्तक, ठीक है, उत्तक से मिलके बने होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका शरीर की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। तो बच्चों, ये जो थे ये तीनों स्टेटमेंट सेल थ्योरी के स्टेटमेंट है। अच्छा, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो इस तीनों बातों को फॉलो नहीं करते, वो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ना तो अपवाद है, ठीक है। अच्छा, जीवाणु इसमें, यस, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, बहुकेंद्रकी जीव हो गया, कहने का मतलब ये है इसका आंसर जो है सभी जाएगा, क्योंकि ये जो है ये बहुकेंद्रकी, जिसमें बहुत सारे केंद्रक, वायरस तो वैसे भी जीव नहीं है, ये लिविंग और क्या नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की मध्य की कड़ी है। तो उपरोक्त हो जाएगा सभी इसका सही जवाब, बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, सबका सही जवाब, ओके। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरह सूत्रकणिका होती है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग, इनमें से कोई नहीं। बताओ सूत्रकणिका, सूत्रकणिका को हिंदी में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सूत्रकणिका, ठीक है बच्चों, सूत्रकणिका इसको हिंदी में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अंग्रेजी में है ना, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कैसी झिल्ली होती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया आप सेल में इस तरीके से, ये कोशिका का जो है जीव, कोशिका का जीव द्रव्य होता है, इसके अंदर यहाँ पे छोटी छोटी ऐसी संरचना पाई जाती है इस तरीके की, इसके ऊपर जो है इस तरीके का वलयन पाया जाता है, ये जो होता है ये क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना शक्ति ग्रह क्यों बोलते हैं, शक्ति का उत्पादन करते हैं, और शक्ति के रूप में क्या है, एटीपी जो है वो अपने सेल में शक्ति का रूप है, और उसका उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, इसलिए कोशिका को शक्ति ग्रह कौन, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अच्छा, ये कैसा है, दोहरी झिल्ली वाला, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके दो झिल्ली, देखो ये तो बाहर वाली और अंदर जो वलयन है ये अंदर वाली, तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो अच्छा, कोशिका, अच्छा इसके साथ यहाँ पे भी ये भी है दोहरी झिल्ली वाले, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन सा है, प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह आते हैं, और तीसरा है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक, न्यूक्लियस। ये तीनों के ऊपर कौन सी दो लेयर पाई जाती हैं, डबल लेयर होती हैं, सिंगल लेयर वाले एकल झिल्ली वाले, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे जो हैं एकल झिल्ली युक्त होते हैं, ठीक है। अच्छा, बिना झिल्ली युक्त कौन से हैं, राइबोसोम, ठीक है, केंद्र तारक काय, ठीक है, तारक काय या तारक केंद्र जो है इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ये चीजें भी याद रखो, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, कौन सा, इसका आंसर बी हो जाएगा, डबल झिल्ली पाई जाती है, बी इसका सही जवाब। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका है, बताओ इनमें से सबसे छोटी कोशिका है। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको तीन क्वेश्चन जो है पूछना चाहता हूं, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है बच्चे, इसके अलावा सबसे बड़ी कोशिका, इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका, तीनों के आंसर मुझे फटाफट दो, कौन कौन सी होती है, पहले का क्या होगा, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये
तीसरा एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एक के साथ बहुत सारे सॉल्व करने हैं, ये ऐसे का ऐसा थोड़ा आएगा, हो सकता है कि इस तरीके से पूछ ले। तो आपको हर तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, तैयार रहना है, कमर कस के रखनी है, किसी भी तरीके से आ जाए उसको जो है छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा के ऊपर जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये भी याद रखना। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती इसलिए एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो कि माइकोप्लाज्मा पे कोई प्रभाव नहीं करता, क्योंकि पेनिसिलिन कोशिका भित्ति पर कार्य करती है और माइकोप्लाज्मा में क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि बैक्टीरिया पे पड़ता है। अच्छा, आगे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये याद रखो, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे लंबी जो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है बच्चों? तंत्रिका कोशिका, याद रखना है। ठीक है बच्चों, तीनों के तीनों याद रखना है, भूलना नहीं है। हाँ जी, यस, सबके आंसर आने लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अपने दोस्तों के बीच में भी ये क्लास शेयर करो। जो बच्चे कोई बात नहीं, ना ऑफलाइन ले सकता है ना ऑनलाइन कोर्स ले सकता है, उनको फ्री में एटलीस्ट एनालिसिस तो कर सकता है खुद को कि कितना वो पानी में है, कितना बाहर है। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं फिर भी लोगों के नहीं हो पाते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आंसर जाएगा इसका, कौन सा? माइकोप्लाज्मा। आंसर नंबर डी इसका सही जवाब। अगला बात, यूकैरियोटिक कोशिका में अगर फ्लैजिला उपस्थित है तो वह डैश 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 प्रोटीन की, देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में फ्लैजिला पाई जाती है। ठीक है, फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला मतलब हिंदी में बोलते हैं कशाविका, कशाविका। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है तो कौन सी प्रोटीन की? प्रोकैरियोटिक। और अगर यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक में अगर पाई जाती हैं तो कौन सी जो है प्रोटीन की बनी होती हैं, ये याद रखो। जो प्रोकैरियोटिक कोश जो है उसमें जो है फ्लैजेलिन प्रोटीन, कौन सी? फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, याद रखना। जबकि यूकैरियोटिक में जो है ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक में प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन कौन सा? ट्यूब्यूलिन। इसका आंसर सी जवाब, सबके गलत आंसर। हाँ जी, सबके गलत आंसर। देखा, बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन आपके सभी के गलत जवाब आ रहे हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन आप गलत हो सकते हो, है ना। तो सिली मिस्टेक है, हो सकता है आपको पता भी हो बट आपने प्रो यू को ध्यान नहीं रखा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका गलत आंसर है, सबका गलत आंसर है। तो टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, सिली मिस्टेक, जल्दबाजी, सोचते हैं कि फटाफट आंसर देंगे, उसके चक्कर में जो है गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, गलबल घोटाला है ना। आगे चलते हैं, केंद्रकाभ किस में उपस्थित होता है? अभी बताया, केंद्रकाभ किस में? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में या बहुकोशिकीय में, ए और बी। देखो केंद्रकाभ क्या है, केंद्रकाभ अभी बताया मैंने, केंद्रकाभ जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, केंद्रक सदृश, केंद्रक जैसा, केंद्रक जैसा। ठीक है, दूसरी बात याद रखो, कोई कोश जो है इस पे जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। इसके अलावा क्या है, ये जो है इसमें जो है नग्न, जो है नग्न अवस्था में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो अभी आपका, हाँ जी, मोहे मोहे हो गए हैं, सबके मोहे मोहे हो गए हैं, इसीलिए तो ध्यान रखा करो वरना एग्जाम में भी मोहे मोहे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, इस बार तुक्का नहीं लगा आप सभी का। चलो, तो इसका जो आंसर जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो
होता है उसके अंदर केंद्रक काब पाया जाता है, उसमें जो है कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक जैसी संरचना केंद्रक काब कहलाता है, जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। इसका फर्स्ट आंसर जाएगा, इसका ए जाएगा। अभी भी जो है आप लोगों के गलत जवाब आ रहे हैं बच्चों, ऐसे नहीं। जीवाणुओं में जीनोमिक डीएनए मतलब मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा तथा वलयाकार डीएनए पाया जाता है उपस्थित होता है। देखो ये दो चैप्टर से इंपॉर्टेंट, एक तो कोशिका के अंदर से है ही, प्लस एक जो है बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हाय सर जी, हेलो, क्या बात है, कैसे हो, ठीक हो, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है, बढ़िया बात है। इधर ध्यान दो, इधर जो है आंसर बताओ इसका क्या जाएगा, बताओ। जीवाणु की स्ट्रक्चर बनाए, ये एक जीवाणु की तीनों लेयर, मैं एक ही लेयर में तीनों लेयर बता रहा हूँ, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, कोशिका, झिल्ली। इसके अलावा यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपना जीनोमिक डीएनए होता है, ठीक है, ये जो है एक जीनोमिक डीएनए होता है, और इस जीनोमिक डीएनए जहाँ पाया जाता है इस एरिया को केंद्रकाब बोलते हैं। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्रकाब। ये जो है किसी झिल्ली से आवरित नहीं होता, बस एक अलग से दिखता है, इसलिए इसको केंद्रकाब बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा बच्चों, क्वेश्चन यहाँ है, इसके अलावा इस मेन डीएनए, ये जो जीनोमिक डीएनए, ये कौन सा है, जीनोमिक डीएनए, ये जो है जीनोमिक डीएनए, ये मुख्य डीएनए जिसे बोलते हैं मुख्य डीएनए, मुख्य डीएनए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा ऐसे वलयाकार संरचना पाई जाती है, इसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मिड, ये जो होता है इसके अलावा एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो जीवाणु में पाए जाने वाला मुख्य डीएनए के अतिरिक्त छोटा वलयाकार द्विकुंडलित डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। जीवाणुओं में पाए जाने वाला मुख्य डीएनए के अतिरिक्त छोटा वलयाकार द्विकुंडलित डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। इसको किसमें, वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, किसमें, वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वाहक क्या होता है, मतलब वाहक का मतलब होता है कि अपने साथ किसी को जोड़ के लेके जाना। किसको जोड़ेगा, किसी भी जो फॉरेन डीएनए होगा उस डीएनए को, वांछित जीन को अपने साथ जोड़ेगा, और किसी जो परपोषी कोशिका में भेजने का काम कौन करेगा, ये प्लाज्मिड करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सर जी कौन सा पेपर करवा रहे हो, ये पेपर करवा रहे हैं मेजर टेस्ट, जिसको नहीं पता जो बाद में आए हैं, ये पेपर जो है अभी संडे को टेस्ट हुआ था, जो क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए टेस्ट हुआ था, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन, उन सबका ये टेस्ट हुआ था। जिसने दिया होगा उसको पता है, जिसने नहीं हुआ उसको भी ये बता देता हूँ, ये जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन है। आप अगर ये पेपर नहीं दिए कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी आप टेस्ट कर सकते हो। अगर अगले दो महीने तक जो है इसी तरीके से संडे के जो टेस्ट होने वाला है उसको हम जो मंडे ट्यूजडे को सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहना इसी तरीके से, और हर रोज शाम को जो है क्लासेज जो लाइव चलती है उसको टाइम टू टाइम ले लिया करो। अच्छा, तो इसका आंसर जो है क्या है, प्लाज्मिड इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली का लिपिड संघटक होता है। देखो कोशिका जो झिल्ली होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है, तो एक तो होता है लिपिड पाया जाता है। कौन, क्या पाया जाता है, लिपिड प्लस वसा, ठीक है, लिपिड और वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों पाए जाते हैं। और जो लिपिड पाया जाता है वो लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड, कौन सा, फॉस्फोलिपिड, ये याद रखना। हमने जो है कोशिका झिल्ली के बारे में जो पढ़ा, क्या है, पहली बात कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल, सर्वमान्य मॉडल, आगे क्वेश्चन भी आएगा इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। सर्वमान्य मॉडल कौन सा है, आपको खुद को बताना है कि कोशिका झिल्ली को एक्सप्लेन करने वाला सर्वमान्य मॉडल कौन सा है, आगे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो कौन सा है, फॉस्फोलिपिड, बी आंसर सही जवाब। ठीक है, इसका आंसर बी जाएगा। अगला चित्र बी क्या दर्शाता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको नहीं दिखा दे रहा है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। ठीक है, ये जो है इस तरीके की संरचना है, ऐसी संरचना ये जो है, इसमें जो है बी क्या दिखाई दे रहा है, मैं यहीं पे बता देता हूं। ये जो है आपको बता देता हूं, ए जो है, ए तो केंद्रक होता है, क्या है, केंद्रक। ठीक है, ए जो है केंद्रक है, बी जो है कहां पे, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदरी अंतर्दरवी
अंतर्दर्वी जालिका, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या है, बी हो गया, सी, सी क्या है, राइबोसोम, इसके ऊपर क्या, राइबोसोम। अच्छा इसके अलावा क्या है, डी, डी क्या है, चिकनी अंतर्दर्वी जालिका, एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतर्दर्वी, अंतर्दर्वी जालिका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पूछा तो उसका ही जवाब देना है, ठीक है, इसके अलावा भी सारे जवाब आपको आने चाहिए। अच्छा ये क्या है, ये जो है इसका अवयव है, किसका, ई आर का अवयव, ई आर का अवयव कौन सा अवयव है, ट्यूब्यू जो नलिका जो होती है उसका जो है अवयव कौन सा, उसमें भी नलिका वाला जो है वो अवयव पाया जाता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको जो है जूम आउट करता हूं और मुझे इसका आंसर दो, बताओ कौन सा इसका जो है बी का आंसर कौन सा है, राइबोसोम, खुरदरी या चिकनी या केंद्रक छिद्र। अच्छा ये सॉरी, ये जो है, ये जो यहाँ हल्का सा छिद्र दिखाई दे रहा है, मैं, मुझे भी टेंशन नहीं दिखाई दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जहां पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ जो केंद्रक है उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे जो है केंद्रक छिद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये डी जो है केंद्रक छिद्र है, ठीक है, डी क्या है, केंद्रक छिद्र है, क्योंकि यहाँ पे जो है छोटे छोटे केंद्रक के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं जिसे केंद्रक छिद्र बोलते हैं, प्लस यहाँ पे जहाँ पे राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे चिकनी बोलते हैं, और ये ईआरई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही अवयव है जिसे नलिकाकार अवयव कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा खुरदरी अंतर्दर्वी जालिका, इस बी क्या दिखाई दे रहा है, बी जो है खुरदरी अंतर्दर्वी जालिका इसका सही जवाब, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य स्थल क्या है, उसका जो काम क्या है, देखो यहाँ से जो है याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो याद रखना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है खुरदरी, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी रफ जो होती है इसमें क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, क्या होता है इसमें जो है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, राइबोसोम उपस्थित, ठीक है बच्चों, राइबोसोम क्या होता है, उपस्थित होता है, जबकि इसमें जो है राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम अनुपस्थित। तो अच्छा जिस पे राइबोसोम उपस्थित होता है दिखने पे, देखो किसी भी फर्श पे अगर कंकर रखोगे तो क्या होता है, खुरदरा होता है कि नहीं होता, वैसे ही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर जैसे ही राइबोसोम आ जाता है ये जो है खुरदरी हो जाती है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होता है वो जो है चिकनी रहती है। अच्छा इसके अलावा आपको याद रखना है, आपको पता है कि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, तो ये जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है ये क्या, वसा संश्लेषण, वसा या हार्मोन जो है उसका जो है भार लेती है, हार्मोन में भाग लेती है। अच्छा वसा कहो या लिपिड कहो, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या आंसर जाएगा, लिपिड संश्लेषण, फर्स्ट इसका सही जवाब, बिल्कुल आपका सही जवाब। चिकनी की बात कर रहे हैं, देखो फिर गलत कर रहे हो, फिर आपका मोए मोए हो गया है, यहाँ पे जो है बार बार आंसर आ रहा है बी, बी सही नहीं है, इसका चिकनी का काम है लिपिड का संश्लेषण करना, सही बात है। कौन सा फर्स्ट इसका सही जवाब, फर्स्ट क्या है सही जवाब, ठीक है बच्चों। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है चलें आगे, ओके आगे चलते हैं। अच्छा मैंने एक बार, एक सेकेंड है ना, मैंने कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में लिपिड वसा, अरे मैंने यहाँ पर आप लोग ना सब लिपिड वसा एक ही होती है, ठीक है, लिपिड वसा एक ही होती है या प्रोटीन लिखना था मुझे, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है दो भागों, लिपिड और प्रोटीन प्लस उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को वसा भी बात एक ही है, ठीक है, तो ये याद रखो, ठीक है, ये थोड़ा मैंने बता दिया, आप लोग किसी को नहीं, किसी ने चेक भी नहीं किया, वाह चलो। तो ये आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। आगे का क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया चित्र जीवाणु में पाए जाने वाले फ्लैजिला का सही क्रम है, ठीक है बच्चों। देखो फ्लैजिला में जो है तीन देखो किस तरीके से, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया में अगर
इस साइड अगर सिर्फ एक ही फ्लेजिला होती है तो इसे बोलते हैं मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखो, मैं आप फटाफट बता देता हूं, ये अगर इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से फ्लेजिला पाई जाती हैं, उसे बोलते हैं पेरिट्राइकस। दो तो मैं बता रहा हूं, पेरिट्राइकस, बाकी का आपको मैं होमवर्क गृह कार्य दे रहा हूं, ठीक है। आप जो है जब ये क्लास खत्म होगी तब आप चेक करोगे। इसके अलावा जो है आप मुझे ये भी बताना कि इस तरफ और इस तरफ इसको क्या बोलते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया एक साइड ऐसे खूब सारे होते हैं, ठीक है, दूसरी साइड भी ऐसे खूब साइड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये खूब सारे एक ही साइड खूब सारे होते हैं, तो ये अलग अलग नाम है, इन सब के कंडीशन आपको बतानी है। आप अपने कमेंट बॉक्स में, जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना ये जो आंसर है ये इस तरीके का, ठीक है। डायग्राम में ऐसे ही बनता है बट हकीकत में देखो तो ऐसा दिखता है, तो इसका जो है बी आंसर सही जाएगा, पेरिट्राइकस। पेरी मतलब चारों तरफ जो है जाता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप देख लेना इन सबको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा काम है। जीवाणु में कंजुगेशन में सहायक है। अच्छा, कंजुगेशन क्या होता है ये चीज याद रखो। देखो, ये एक जीवाणु होता है, इस जीवाणु के ऊपर नलिकाकार ऐसे संरचना पाई जाती है, ठीक है, ऐसे नली जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है, इसे बोलते हैं रोम। क्या बोलते हैं? रोम। अच्छा, इसके ऊपर जो है ऐसे छोटी छोटी ये संरचना पाई जाती है, इसे बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं? झालर, काली झालर नहीं होती, झालर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ये लंबी संरचना, ये क्या? कशाविका, कशाविका। तो इस तरीके की तीन संरचनाएं आपको याद रखनी है, इसमें से ये दो गमन में सहायक नहीं है, जबकि ये अकेली जो है गमन में या लोकोमोशन में सहायक है, ये तो अलग की बात है। अब जो बात कर रहे हैं ये रोम जो है, ये रोम कंजुगेशन में सहायक है। रोम कंजुगेशन क्या होता है? देखो, ये एक बैक्टीरिया, इसके अलावा एक और बैक्टीरिया सेम चीज है, बस उसमें भी जो है इसका जैसे खुद का डीएनए हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा ये है जिसका ये रोम हो गया, अब जो है ये दोनों नजदीक आएंगे, ठीक है, अगले डायग्राम में। कैसे? ये दोनों जो है नजदीक आ गए, नजदीक में आप अपने दोनों के रोम आपस में, रोम को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बोलते हैं पिलाई, PILI, ठीक है, PILI। तो ये जो है आपस में जुड़ जाती है और इस जुड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन, ठीक है बच्चों। इससे क्या होता है कि ये कोई जेनेटिक मटेरियल है वो इधर आ जाता है, और फाइनल क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल था प्लस एक दूसरा बैक्टीरिया जिसमें भी ट्रांसफर हो गया कॉपी होके, ठीक है। तो ये होता है जेनेटिक मटेरियल, सॉरी कंजुगेशन, और कंजुगेशन में सहायक है रोम, ठीक है। इसका बी आंसर इसका सही रहेगा, बिल्कुल सही जवाब, सभी का सही जवाब है, सभी ने बी दिया है, अच्छी बात है। फिर से ऑप्शन वही घुमा के, कैसे? जीवाणु को उत्तक तथा चट्टानों को चिपकाने के लिए सहायक है। देखो, अभी तीन चीजें मैंने बात करी, एक तो है रोम, एक होती है झालर, एक होती है कशाविका। तो इनमें से कौन सी जो संरचना है जो कि जीवाणुओं को चिपकाने में हेल्प करती है? देखो बच्चों, कोई भी, जैसे उत्तक है, हमारे हाथ को स्कैन करेंगे तो लाखों करोड़ों जो है बैक्टीरिया मिलते हैं। हम मुट्ठी भर जो जम मिट्टी लेते हैं, मिट्टी में भी लाखों करोड़ों बैक्टीरिया मिलते हैं। हमारे हाथ में हम कितना भी धो लो, जब आता है ना डिटोल का एडवर्टाइजमेंट, 99.99% जर्म जो है मिटा देते हैं, लेकिन 0.1% तो हमारे ऊपर चिपका रहता ही रहता है। तो वो 0.1% कैसे चिपकता है? वो झालर की वजह से चिपकता है। किसकी वजह से चिपकता है? झालर की वजह से, ठीक है। झालर का मतलब क्या होता है? पागल है। हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं झालर, काली झालर, काली झालर मतलब चिपकना। कहीं पे भी वो काले पागल लोग जो होते हैं वो कहीं पे भी चिपकने लग जाते हैं, उनसे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो है झालर का मतलब चिपकाने का काम करता है, सिंपल सी बात है, याद रखो, ठीक है। तारक काय उपस्थित होता है, तारक काय, पहली बात, तारक काय जो होता है, तारक काय, इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होता, तो झिल्ली रहित है ना, झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या हेल्प करता है ये जो है? कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में सहायक होता है, सहायक होता है। क्या करता है ये? स्पिंडल फाइबर का, स्पिंडल तर्कु तंतु, स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, फाइबर का निर्माण करता है, ठीक है।
स्पिंडल फाइबर मतलब तर्कु तंतु का निर्माण करता है, कौन? ये तारक कायल। ठीक है, तो जो है कोशिका विभाजन जब होता है तो ये दोनों आपस में दोनों ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, और दोनों ध्रुवों की तरफ चले जाए उसके बाद जो है तर्कु तंतु बनते हैं, और उससे जो है गुणसूत्र जो है आपस में उसके दूर जाने लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तारक काय किसमें? जंतु कोशिका में। सी इसका सही जवाब। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल आपके सही जवाब है, किसी किसी के गलत भी हैं। चलो कहाँ से हो? अरे भाई कुलदीप सिंह क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। वो सोनू कहाँ से है, आपको क्या लेना देना, आप अपना ध्यान रखो भाई, तुम्हारे वो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पादपों में संचित भोजन किस रूप में होता है? क्वेश्चन देखो, संचित भोजन याद रखो जंतुओं में किस रूप में होता है और पादपों में। ठीक है, जंतुओं में किस रूप में होता है और पादपों में किस रूप में होता है, याद रखना है। पादपों में जो जंतुओं में होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन। ठीक है, जबकि पादपों में जो है स्टार्च के रूप में जो है भोजन संचित रहता है। तो यहाँ का आंसर क्या जाएगा? पादपों का पूछा है तो स्टार्च, अगर जंतुओं का पूछा होता तो क्या जाता? ग्लाइकोजन। इसी तरीके से आपको जो है जवाब देने हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। यस, इसका आंसर सही जवाब आप लोगों के। बिल्कुल आगे चलते हैं, किस प्रोटीन को कोशिका झिल्ली के आसानी से पृथक किया जाता है? देखो कोशिका झिल्ली जो होती है, ये एक कोशिका है, इसकी ये झिल्ली है, ये जो है इसको मैं जूम करूं, जूम करूंगा तो ये झिल्ली को जो है इस तरीके से जो है वसा की डबल लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, ऐसे अब जो है ये जो है एक वसा के अणु इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये इस तरीके की अगर झूम करके देखूंगा तो मैं ये एक ही लेयर इस तरीके से दो लेयर में दिखती है, ये दोनों लेयर के बीच में यहाँ पे आपस में जो है प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? प्रोटीन पाई जाती है, कुछ ऐसे प्रोटीन पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद फिर से वसा के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वसा के अणु इस तरीके से पाए जाते हैं। अब इसके अलावा एक चीज और याद रखो कि कहीं कहीं पे क्या होता है, प्रोटीन जो है कहीं कहीं पे प्रोटीन इस तरीके से भी पाई जाती है ऐसे। तो ये जो प्रोटीन है उसे तो बोलते हैं अंतर्वेशी, अंदर की तरफ है अंतर्वेशी प्रोटीन। ठीक है, अंतर्वेशी प्रोटीन, जबकि ये जो है इसे बोलते हैं परिधीय प्रोटीन। क्या बोलते हैं? परिधीय प्रोटीन। और जो परिधीय प्रोटीन होती है इसको जो है पृथक करना आसान होता है, क्योंकि देखो परिधि की तरफ है, आसानी से निकाला जा सकता है, तो इसे बोलते हैं पृथक करना आसान। ठीक है, जबकि इसको जो है पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें याद रखना। ठीक है बच्चों, एक ही क्वेश्चन से हम खूब सारे सॉल्व, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके ओके, सही जवाब। ठीक है, सबके सही जवाब। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली को का सबसे उन्नत तथा सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कोशिका झिल्ली जो है उसका सबसे उन्नत और सर्व, जो मैं ये डायग्राम बनाया है ये उसी मॉडल का, ये जो डायग्राम है इस तरीके का, ये जो लिपिड की बाई लेयर स्ट्रक्चर है ये जो है ये उसी लेयर का है, और वो मॉडल कौन सा है? बर्गर मॉडल, सैंडविच मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ इसका सही जवाब कौन सा है, बताओ इसका सही जवाब बताओ बच्चे फटाफट। हाँ जी फटाफट, कौन सा सही जवाब रहेगा? आपको अभी जो डायग्राम बनाया था ये डायग्राम जो है ये कौन सा है? तरल मोज़ेक मॉडल। तो कौन सा सर्वमान्य? तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये क्या बताया था? ये कोशिका झिल्ली जो होती है उसकी प्रकृति के बारे में ये क्या बताता है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति मतलब नेचर है ना, प्रकृति तथा कार्य की व्याख्या भी करती हैं, कार्य की व्याख्या करती हैं। ठीक है, व्याख्या करती हैं। अच्छा, ये जो है किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन, ये याद रखना, निकोलसन
एक साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले सिंगर तथा निकोलसन ने जो है तरल मोजेक मॉडल दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया था कि जो कोशिका की झिल्ली होती है वो तरल प्रकृति की होती है, उसमें जो है ऐसे अणु जो है घूमते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ठोस जो है, जैसे हमारी ये कोशिका है इसकी झिल्ली है, इसकी झिल्ली में जो वसा पाई जाती है, जो लिपिड पाई जाती है, ये जो है आपस में घूमती रहती है, ऐसे जो है चलती रहती है, इसलिए वो तरल मोजेक मॉडल इसका नाम दिया। इसका जो सही जवाब जो है सी, इसका सही जवाब बिल्कुल आप सभी के सही जवाब है। ठोस पदार्थों को कोशिका के द्वारा अंतःग्रहण, देखो अब जो है ये इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे इसमें जो बता रहा है कि कोशिका का प्रकृति, और उस प्रकृति तो तरल होती है, ठीक है। अब इसका कार्य जो है कि भाई इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है वो भी एक्सप्लेन किसने किया था, वो भी इसी ने बताया था। तो उसी जो है कार्य के अंदर है कि कोशिका जो झिल्ली है वो पदार्थों का जब अंतर्ग्रहण करती है तो उसे जो है क्या बोलते हैं, और वो भी कौन सा ठोस पदार्थ का। देखो तो कोशिका में जो कोशिका के आर पार कोई जा रहा है उसे बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट या बल्क परिवहन, ठीक है। अच्छा ये दो तरह के हो सकता है, एक तो कोशिका से बाहर जा रहा है, कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर जा रहा है, एक कोशिका के बाहर जा रहा है, कोई पदार्थ कोशिका से बाहर जा रहा है, जो अंदर जा रहा है उसे अंतर्ग्रहण बोलते हैं, अंतर्ग्रहण, ठीक है, जो बाहर जा रहा है इसे क्या बोलते हैं, बहिर्गमन, है ना, बहिर्गमन, ठीक है। अब जो है दो चीजें याद रखना, कंसेप्ट यहां पे है कि एक तो ठोस पदार्थ जो है वो अंदर जाएंगे, एक जो है तरल पदार्थ, जो ठोस पदार्थ जाते हैं उसे बोलते हैं, ठोस पदार्थ जो जाते हैं उसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगो ये याद रखने की साइटोसिस्ट, ठीक है बच्चों। जब कोई ठोस पदार्थ कोशिका के अंदर जाते हैं तो उसे बोलते हैं फेगो, फेगो मतलब खा जाना, पूरा कोशिका उसको खा जाती है, जबकि कोई तरल पदार्थ है उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखना, जैसे हम पानी पीते हैं, पानी कभी खाते थोड़ा है, तो ऐसे याद रखो पीनो, पीना क्या, तरल पदार्थ जो अगर वो है वो कोशिका पीती है तो उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, और इसका उल्टा फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा इसमें भी दो तरह से हो सकता है, एक तो जो है उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन, ठीक है, और एक जो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जब कोई जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, अपशिष्ट पदार्थों का जो है बाहर निकालना, और एक जो होता है एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम को रिलीज करना, ठीक है, एंजाइम को निकालना। तो दो तरीके से आप याद रख लेना, ठीक है, ये आपको ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो इस हिसाब से क्या जाएगा आंसर, ठोस पदार्थों का फेगोसाइटोसिस, अगर यहाँ पे तरल पदार्थ होते तो उसका पिनोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको याद रखना है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, अभी ये जो है मैंने आपको जब माइकोप्लाज्मा का बताया था, कोशिका की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, उसी टाइम मैंने ये बात बोली थी कि माइकोप्लाज्मा जो होती है, माइकोप्लाज्मा में क्या पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, काइटिन की होती है, हेमीसेल्युलोज की होती है, या फिर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा, माइकोप्लाज्मा का आंसर क्या होगा बताओ। तो इसका देखो बच्चों आप याद रखो, जो माइकोप्लाज्मा है इसके ऊपर जो है क्या होता है, कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एब्सेंट है ना, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये चीज याद रखना। और इसलिए वो जो है इसको जो है जोकर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जोकर, क्योंकि ये अपना रूप बदलते रहते हैं, ठीक है, अपना रूप बदलते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सबका सही जवाब है, एब्सेंट होती है, डी आंसर सबका आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, देखा मैंने राइबोसोम के बारे में पूरी बात कर ली थी, राइबोसोम से कोई भी क्वेश्चन होगा अब आप कर सकते हो। कौन सा प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक में कौन सा, 70S राइबोसोम, 70S की बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट जो है 50S, छोटी यूनिट 30S, ठीक है, इतना याद कर लोगे बहुत बड़ी बात है। राइबोसोम के बारे में और जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक है, इतना हो गया।
तो जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक में 70S पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका सही जवाब आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ लोग हैं बीच में गलत भी आंसर दे रहे हैं, तो जो है आपको ध्यान रखना है। जीवाणुओं में गमन में सहायक हैं, मैंने बताया गमन मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, गमन मतलब लोकोमोशन, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को जाना है। तो मैं बात करूं, ये कोई जीवाणु है, इसके जीवाणु पे ऐसे जो है ये तो होता है कशाभिका फ्लैजिला कशाभिका, इसके अलावा इसके ऊपर छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जो कि झालर कहलाती हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? झालर कहलाती हैं। और इसके अलावा ऐसे ट्यूब जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये जो होती है इसे रोम कहते हैं, पिलाई कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर जो है, अगर ये बैक्टीरिया है इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये जो है ऐसे ऐसे मूव करेगा। ये किसकी वजह से करेगा? ये जो है गमन में सहायता करती है, गमन में सहायक। ठीक है, गमन में कौन सहायक है? कशाभिका सहायक। ठीक है बच्चों, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत बढ़िया सबका आंसर सही जा रहा है। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या जाएगा? जीवाणु के गमन में सहायक क्या है? ए फ्लैजिला। अरे 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 गलत जवाब नहीं देना। देखो देखो प्रवीण मीना जी, एक चपेट पड़ेगा आपको। ठीक है, ध्यान दे दो इधर, हाय हाय करते रह जाओगे, ऐसे ही निकल जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान दो। आगे नेक्स्ट क्लास अनिल सर की। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन थे। आई होप आप मुझे आंसर बताओ, 30 में से कितने सही जवाब हुए बताओ, 30 में से कितने आप कमेंट करके बताओ। आप अपने आप को एनालिसिस करो, कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, प्लस उसके साथ हमने एक ही क्वेश्चन में चार चार पांच पांच क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो सकता था उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं बायोलॉजी से रिलेटेड आपका सारा सॉल्यूशन बता दूंगा। अभी जो है आपके अनिल सर की क्लास रहेगी जो कि आपके केमिस्ट्री रहेगी, तो आगे की क्लास आप कहीं जाना मत। अगर आप पानी पेशाब जो भी करना है 5 मिनट में फटाफट आ जाओ और अपने दोस्तों को भी बोलो। ठीक है, फटाफट दोस्तों को बताओ और जो लोग हैं वो जोड़ो, और अभी सर आएंगे आपके दूसरे सर। ठीक है, तो जाना नहीं है, टेस्ट अभी चालू है, ये क्लास चालू रहेगी। हाँ जी, गुड इवनिंग जय राजधानी, क्या हाल चाल, कैसे हैं? ठीक है सारे? जल्दी से एक बार अपनी ऊर्जा का परिचय देंगे भी कि आपकी ऊर्जा क्या है, आपका जोश कितना है अभी। सारे विद्यार्थी अपने जोश से मुझे परिचित कराएंगे। हाँ जी, हाँ जी, किशन यादव, बिट्टू यादव, राधे राधे, प्रीति गवारिया के गावरिया। हाँ जी, क्लास अपनी 7:30 बजे शुरू होती है। आज ये जो है ना, ये वीकली अपन पेपर सॉल्व कराते हैं। वैसे कंटिन्यू जो क्लासेज होती हैं उनका शेड्यूल पहले लग जाता है। यशस्वी गुड इवनिंग, चरिता पांडर गुड इवनिंग, सोनू प्रजापति जय राजधानी, प्रवेश मीणा बिल्कुल गुड इवनिंग, बिट्टू यादव, राधे राधे, साहिल डामोर बिल्कुल, सारे जुड़ जाएंगे, है ना, सारे जुड़ जाएंगे। अपने मित्रों को भी ऐड करेंगे। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं? हाँ जी, किशन, सोनू प्रजापत बिल्कुल, एनर्जी तगड़ी है सबकी, सारे मजबूत हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। अपन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जब हमारा तापमान खालिस्तान तो मोलरता कम हो जाएगी, यानी कि तापमान जो है वो तो मोलरता को कैसे प्रभावित करता है? देखो मोलरता क्या होती है भैया, मोलरता क्या होती है? इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के मोल, यानी कि विलेय के
मोल अपॉन में विलियन का आयतन क्या होता है, विलियन का आयतन। अब यहीं से आपको समझ जाना है भैया, आयतन जो है, आयतन जो है वो क्या होता है, ताप से प्रभावित होता है, क्या होता है, ताप से प्रभावित होता है। तो भैया आयतन अगर ताप से प्रभावित होगा तो ऑब्वियसली मोलरता भी क्या होगी, मोलरता भी क्या होगी, तापमान से प्रभावित होगी। कुलदीप सिंह सोडा, खाना हुआ नहीं यार कुलदीप, अब क्लास के बाद खाना खाएंगे। जब हमारा तापमान क्या होता है, अब देखो सीधा ही दिख रहा है, अगर तापमान अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब ऐसे भी समझ सकते हैं आप, आयतन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के, सॉरी समानुपाती होता है, माफी चाहूंगा विद्यार्थियों, तापमान के समानुपाती होता है, यानी ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, माफी चाहूंगा विद्यार्थियों, क्योंकि तापमान बढ़ता है तो आयतन क्या होता है, बढ़ता है ना। अब देखो आयतन अगर बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, कम होगी, यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो मोलरता कम होगी। ये आगे कह रहा है कि मोलरता क्या हो जाए, कम हो जाए, तो मोलरता कम कब होगी, जब आयतन बढ़ेगा, और आयतन कब बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा, आयतन कब बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जब तापमान बढ़ाएंगे तो मोलरता क्या होगी, कम होगी, क्यों, क्योंकि तापमान के समानुपाती होता है आयतन, और आयतन क्या हो रहा है, देखो आयतन मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती है, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, कम होगी। यानी कि यहाँ पे अपन अगर मोलरता के बिहाफ पे लिखें तो लिख सकते हैं मोलरता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, आयतन के, क्योंकि भैया विलयन का आयतन अगर बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, कम होगी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब तापमान बढ़ाएंगे तो मोलरता क्या होगी, कम होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये कोई संख्या है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, कितने सार्थक अंक हैं, फटाफट से कमेंट कर देंगे सारे विद्यार्थी, ये जो आपके पास संख्या है इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 0.0287 है ना। यहां पे कौन सा नियम लगेगा, यहां पे कौन सा नियम लगेगा, प्रथम ए शून्य संख्या के बाईं तरफ वाले शून्य को सार्थक अंक में नहीं गिनते, शून्य को नहीं गिनते हैं, और अपन को पता है पहली अशून्य संख्या कौन सी है, दो है, दो के बाईं तरफ जो आएंगे उनको अपन सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, तो सार्थक अंक केवल कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। सोनू प्रजापत वेरी गुड, ऋषभ पटेल वेरी गुड, बिट्टू यादव वेरी गुड, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, अपन को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये अपने पास है, इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 6, और एक कार्बन का होता है 12U, वहीं पे हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और एक हाइड्रोजन का होता है 1U, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, और एक ऑक्सीजन का होता है 16U। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72U प्लस में 12U प्लस में 16 × 96 96U, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 180U, कितना आ जाएगा, 180U आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180U, है ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 180U। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 180, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 180U होता है, 180U होता है, 180U होता है। ग्राम की अगर बात करें तो वो फिर मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, सोनू प्रजापति वो फिर मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, है ना। अगर अपन आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसको अपन यू में दर्शाएंगे, और अगर अपन मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे तो अपन उसको ग्राम में दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, O2 अणुओं के 8 ग्राम में कणों की संख्या क्या होती है? O2 अणुओं के 8 ग्राम में कणों की संख्या क्या होती है? तो यहां पे देखो, कणों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, n इज इक्वल टू में क्या होता है, स्मॉल n इंटू में n a होता है कि नहीं होता, n a यहां पे क्या है, अवोगाद्रो संख्या, क्या है, अवोगाद्रो संख्या, अरे है कि नहीं है, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23, क्या होता है, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 होता है। लेकिन यहां पे अपन को मोल ज्ञात करने पड़ेंगे, और भैया जब क्या दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, तो मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान, और O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 32, कितना होता है, 32 होता है ना, तो यहां से मोल कितना आ जाएगा आपके पास, 1/4। इस एन के मान को अपन कहां रखेंगे, यहां वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, संख्या कितनी आ जाएगी, देखो अपने पास संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे कणों की संख्या n इज इक्वल टू में 1/4 इंटू में 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। अगर आप इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार इसमें भाग जाएगा, है ना, और आ जाएगा 1.51, कितना आ जाएगा, 1.51 इंटू में 10^23, इसका आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए, 1.51 इंटू में 10^23 क्या हो जाएगा। हाँ माया प्रजापत, हेलो, क्या हालचाल, क्वांटम संख्या भी पढ़ेंगे, जब एटम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.51 इंटू में 10^23। कैसे निकला, अपन को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो मोल इंटू में अवगाद्रो संख्या, और अपन को चेक करना है कि 8 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 8 ग्राम में ऑक्सीजन के 1/4 मोल है, है ना, कितने मोल है, 1/4 मोल, ठीक है। तो 1/4 को जब आप अवगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, 1.51 इंटू में 10^10 क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, उर्मिला सिहाग, कुलदीप सिंह सोडा, सोनू प्रजापत, ए, हाँ जी आदित्य, UP24, क्या हाल है, बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.51 इंटू में 10^23 हो जाएगा। कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है, अपन को मोल ज्ञात करने आने चाहिए, मोल अवधारणा जो है ना उसमें मोल ज्ञात कैसे करते हैं और मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं ना, मोलर मास और मोल कॉन्सेप्ट दोनों अपन को पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों की खालिस्तान इकाई होती है, कितनी इकाई होती है अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों की, अरे कितनी इकाई होती है, मतलब मूलभूत राशियां कितनी होती हैं, या फिर ये पूछ रहे हैं मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल मात्रक या मूल इकाई एक ही बात होती है, कितने होते हैं, अरे भैया 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। एक बार जरा रिवाइज कर देंगे, कौन कौन से होते हैं, समय, द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, प्रकाश तीव्रता और विद्युत धारा, ये होगी अपने पास 6, और लास्ट हो जाएगी पदार्थ की मात्रा, लास्ट क्या हो जाएगी आपके पास, पदार्थ की मात्रा हो जाएगी, 7th क्या हो जाएगी आपके पास, पदार्थ की मात्रा, और इनके जरा मात्रक भी लिख देंगे, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, तापमान का केल्विन, प्रकाश तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मोल क्या होता है, मोल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 होती है, कितनी होती है, 7 इकाई होती है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब SI पद्धति, सुना है ना सबने,
ऐसा ही पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वेरी गुड। जो भी विद्यार्थी 7 आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, है ना। तो कितनी इकाइयां होती हैं? 7 इकाइयां होती हैं। मूल जो होते मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरता को प्रदर्शित करते हैं, मतलब मोलरता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अपन आराम से निकाल सकते हैं। देखो मोलरता का मात्रक, मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है, विलय के मोल, अभी लिख के आए अपन फॉर्मूला, विलय के मोल अपॉन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। तो मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल, यानी कि मोल अपॉन में विलयन का आयतन क्या होता है, लीटर, क्या होता है, लीटर। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। अनु कुमारी, ऑनलाइन क्लास है अपनी, वैसे तो 4:30 से शुरू होती हैं, 4 बजे से अपनी शुरू होती हैं क्लासें और कंटिन्यू चलती हैं, 3-4 घंटे की प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास अपनी यूट्यूब पे लाइव चलती हैं। और ये जो वीकली अपना एक फुल पेपर सॉल्यूशन होता है, जिसमें पूरे जेट के पैटर्न पे अपन पेपर सॉल्व करवाते हैं, है ना, ये वीक में मान के चलो एक बार होता है, है ना, बिल्कुल वीक में एक बार अपन फुल पेपर जो अपन पहले पढ़ते हैं उसका फिर फुल पेपर सॉल्यूशन चलता है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। और मात्रक कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, विलय के मोल, यहाँ पे तो विलय के मोल यानी कि मोल हो जाएगा मात्रक, और विलयन का आयतन, आयतन को किस में शो करते हैं, मोलरता में, लीटर में, सॉरी क्या हो जाएगा इसका, मोल पर लीटर, सेकंड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सी मात्रक पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों पर आधारित नहीं है, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई, समय तीनों पर आधारित नहीं है, 7 अपन यहां पे राशियां पढ़ते हैं, 7 अपन यहां पे राशियां पढ़ते हैं, 7 अपन राशियां यहां पे पढ़ते हैं, 7 राशियां अपन यहां पे पढ़ते हैं, कौन सा होता है वो, अरे ऐसा ही पद्धति में अपन क्या पढ़ते हैं, 3 से ज्यादा, बाकी MKS, FPS, CGS ये केवल क्या करती हैं, इन तीनों पर ही आधारित है, इन तीनों पर ही आधारित है, बल्कि ऐसा ही जो है वो 7 राशियों पर आधारित है, ऐसा ही जो है वो क्या है, 7 राशियों पर आधारित है, जिन्हें मूलभूत राशि अपन कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बनता है कि निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है या मूल मात्रक नहीं है, है ना, वो क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पोटेशियम के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो भैया 1 मोल चाहे किसी का भी हो, 1 मोल चाहे किसी का भी हो, है ना, 1 मोल चाहे किसी का भी हो, उसमें क्या रहता है, 6.023 × 10³² कण होते हैं, ठीक है, 1 मोल चाहे किसी का भी हो, उसमें हमेशा क्या रहता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर क्या रहते हैं, कण रहते हैं। यहाँ पे 6.23 की जगह आपको 22 भी मिल सकता है कई बार, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भैया 1 मोल किसी का भी हो, 1 मोल में कणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। प्रिंस मीना, वेरी गुड, कणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो किसी का भी 1 मोल हो, चाहे पोटेशियम का हो, चाहे सोडियम का हो, चाहे ग्लूकोज का हो, है ना, कण जो है वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, है ना, कुछ भी हो सकता है कण जो है, तो हमेशा 1 मोल में कणों की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, कर दो जरा आंसर, H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, लगा देता हूं, चलो मैं ग्राम भी इसके आगे लगा देता हूं, क्योंकि मोलर द्रव्यमान को अपन ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। मोलर द्रव्यमान एक्चुअल में क्या होता है, 1 मोल की ग्राम में मात्रा, 1 मोल की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाती है, 1 मोल की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाती है। तो भैया H2O का अपन आराम से निकाल सकते हैं, 2 ग्राम तो क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन के, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो कितना आ जाएगा आपके पास 18 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदित्य यूपी, वेरी गुड, क्या हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। H2O का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल सारे विद्यार्थी, हितेश कुंद्रा, प्रिंस मीणा, वेरी गुड, सुरेंद्र सैनी, चेतन जाट, क्या बात है, वेरी गुड, चेतराम, हाँ जी 18 ग्राम इज राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 18 ग्राम जल बनता है, यह आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं। यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के 18 ग्राम जल बनाएंगे, यह कौन से रासायनिक संयोग के नियम की पालना करते हैं या पुष्टि करते हैं, बता दो जरा क्या होता है। हाँ जी अंकित यादव, राम राम, बिल्कुल राम राम, क्या हाल है, बताएंगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 18 ग्राम जल बनता है, यह आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं। फटाफट से आंसर कर देंगे, किस नियम की पुष्टि करते हैं भैया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, बिल्कुल यहां पे दरों के संरक्षण की या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की पुष्टि करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास आपसे क्या कहता है कि जितना अभिकारक भाग लेगा उतनी ही मात्रा में क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, उतनी ही मात्रा में क्या बनता है, उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनेगा, उतनी मात्रा में क्या बनता है, उत्पाद बनेगा। ये कौन कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो भैया अभिकारक कितना लेते हैं, 2 ग्राम और 16 ग्राम यानी कि 18 ग्राम अभिकारक लेंगे अपन, तो ये उत्पाद भी कितना बनेगा, 18 ग्राम बनेगा। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम अपन को सिखाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिखाता है। सोनू प्रजापत, ये कैसे हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU, पहले अपन जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो थी वो क्या काम में लेते थे, AMU काम में लेते थे, लेकिन आजकल आप बुक में देखते हैं कि AMU की जगह क्या काम में लिया जाता है आजकल, अरे आजकल क्या काम में लिया जाता है, U काम में लिया जाता है। AMU का मतलब था एटॉमिक मास यूनिट, क्या था, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, क्या होता है, यूनिफाइड मास, ठीक है। हाँ अन्नु कुमारी, रोज क्लास होती हैं, बिल्कुल एग्रीकल्चर की क्लास, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन इसके बाद होने वाले हैं, बिल्कुल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन इसके बाद होने वाले हैं आपके, बिल्कुल कंटिन्यू तीनों सब्जेक्ट का अपन सॉल्यूशन करवाते हैं यहाँ पे, रोज इस चैनल पे आपकी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की क्लास होती है, बिल्कुल। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आजकल अपन यू काम में लेते हैं, अरे आजकल अपन बुक्स में देखते हैं AMU कहीं लिखा आता है क्या, AMU लिखा हुआ नहीं आता, क्या आता है, यू लिखा हुआ आता है, क्या आता है, यू लिखा हुआ आता है, बिल्कुल यू इज राइट आंसर, वेरी गुड, सारे विद्यार्थी सही आंसर कर रहे हैं, शाबाश, वेल डन। हाँ जी अब देखो, फारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान कितना आ रहा है, 200 फारेनहाइट आ रहा है, तो सेल्सियस स्केल पर यह रीडिंग क्या होगी, यानी कि फारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, प्रिंस मीणा, बिल्कुल आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए, कॉन्टेक्ट नंबर जो दिख रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए, आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स में भी लगभग 8-9 घंटे की रोज क्लास मिलती है एप्लीकेशन पे, तो आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये कॉन्टेक्ट नंबर जो ऊपर लिखे हुए इन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, बिल्कुल। फारेनहाइट, देखो फारेनहाइट जो है सेल्सियस को पहले फारेनहाइट में चेंज करने का सूत्र देख लेंगे, क्या होता है, फारेनहाइट इज इक्वल टू में 9/5
अपॉन में 5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अगर ये फॉर्मूला अपन को आता है ना, अगर ये फॉर्मूला अपन को आता है तो अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो, 200 इज इक्वल टू में 9/5 डिग्री सेल्सियस अपन को ज्ञात करना है प्लस में 32 है कि नहीं है। अब ये प्लस का 32 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 200 - 32 इज इक्वल टू में 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस है ना। अब 200 में से 132 गए तो आपके पास क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा रे, क्या बच जाएगा, 168 बच जाएगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू में 168 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको जब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 5 इसके भाग में है तो ये तो इसके गुणा में चला जाएगा है ना, और 9 क्या है, 9 इस डिग्री सेल्सियस के गुणा में तो इसके भाग में चला जाएगा। यानी कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू में आपके पास क्या बन के आएगा रे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू में क्या बन के आएगा, 5 इंटू में 168 अपॉन में 9, क्या बन के आएगा, 5 इंटू में 168 अपॉन में 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्यों आंसर आएगा आपका 93.3 डिग्री सेल्सियस, क्या आ जाएगा, 93.3 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, क्लियर है, अरे क्लियर है, ओके आगे बढ़े। हाँ जी पवन सहू, क्या हाल है पवन, ठीक है विद्यार्थियों। तो कैसे अपन डिग्री सेल्सियस में फारेनहाइट को चेंज करते हैं, अगर अपन को ये फॉर्मूला है ना, देखो कोई भी सूत्र होता है उसकी अगर एक मान को छोड़ करके बाकी अगर अपने पास है तो अपन उस सूत्र से उस वैल्यू को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस सूत्र को देखोगे तो अपने पास फारेनहाइट की वैल्यू है ना, और डिग्री सेल्सियस की ज्ञात करनी है तो अपन इसको तोड़ मरोड़ के सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसूत जल की मोलरता क्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसूत जल जो होता है उसकी मोलरता क्या होती है। एक्चुअल में अगर आप आसूत जल की डेंसिटी को देखोगे तो उसमें एक लीटर बराबर क्या होता है, देखो एक लीटर बराबर अपन अप्रोक्स 1000 ग्राम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में मोल कितने हो जाएंगे, 1000 ग्राम में मोल कितने हो जाएंगे रे, कितने हो जाएंगे, 1000 अपॉन में 18, तो अपने पास कितने आ जाएंगे, लगभग आ जाएंगे 55.5, 6 या 5 मोल मान लो है ना, इतने आ जाएंगे। और अपन को आयतन दे ही रखा है कितना, 1 लीटर, तो मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोल, यानी कि 55.5 अपॉन में 1, तो कितना आ जाता है 55.5 m, क्योंकि मोलरता को अपन कैपिटल M में शो करते हैं। एक्चुअल में अपन मोलरता को किस में शो करते हैं, कैपिटल M में शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 55.5 है। सरिता पांडर वेरी गुड, बिल्कुल क्या हो जाएगा, 55.56 है ना। यहाँ पे ये जो है ना, ये आपको 998 ऐसे मिल सकता है ना, अप्रोक्स वैल्यू अपने पास 55.5 आती है ना, लगभग जो है वो 55.5 आता है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछ लेते हैं कि आसूत जल की मोलरता क्या होती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड का निर्माण एक उदाहरण है, कौन से नियम को बताता है भी, अरे गुणित अनुपात के नियम को बताता है, किसको बताता है, गुणित अनुपात के नियम को। गुणित अनुपात का नियम आपसे क्या कहता है कि जब 2 परमाणु जैसे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अपन इसमें दिख रहा है ना, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, जब 2 परमाणु क्या बनाते हैं, अलग अलग यौगिक बनाते हैं, अलग अलग यौगिक बनाते हैं, तो
तो उनके द्रव्यमान क्या रहते हैं, गुणित अनुपात में रहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन अगर एक है तो 16 होएगा, दो ऑक्सीजन है तो 32 होएगा, यानी कि पूरा परमाणु क्या होता है, शिफ्ट होता है आगे। तो गुणित अनुपात के नियम की पालना करते हैं। यहां पे आपको ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का भी मिल सकता है कि जल और परोक्साइड बनाते हैं, कार्बन का भी मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.00051 में सार्थक अंक कितने हैं, बताओ जरा कितने सार्थक अंक हैं। इसमें वही रूल लग जाएगा पीछे वाला कि पहली अशून्य संख्या के बाईं तरफ आने वाले जीरो को सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें केवल कितने सार्थक अंक उपस्थित हैं, दो सार्थक अंक उपस्थित हैं। अरे कितने उपस्थित हैं, दो सार्थक अंक उपस्थित हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आई बात समझ में, सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इसकी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, अभी एक दो दिन पहले अपनी क्लास अपलोड हुई है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला ये जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन है और इसकी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे, थ्योरी क्लास अपने दो तीन दिन पहले ही अपलोड की है, तो वो क्लासें जब आप देखें तो आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दो सार्थक अंक इसमें उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला आ गया, देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किस नियम को दर्शाता है। तो गुणित अनुपात का जो नियम है ना, उसका दूसरा नाम क्या होता है, एकाधिक अनुपात का नियम, इसको अपन गुणित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गुणित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। हाँ जी, इसे क्या बोलते हैं, एकाधिक अनुपात का जो नियम होता है इसे गुणित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CaCl2 के 70 इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए, या आराम से कर देंगे। क्या है CaCl2, कैल्शियम का कितना 40, प्लस में एक क्लोरीन का 35.5 होता है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, दो है, यानी कि 40 + 71 = 111। क्या हो जाएगा इसका, 111U, आदित्य यूपी, 111U इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 111U, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसका सूत्र द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है, 111U होता है। क्या होता है, 111U होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है, जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है, भैया प्रतिशत संघटन निकालने का सूत्र क्या होता है, देखो प्रतिशत संघटन निकालने का सूत्र क्या होता है, तत्व का द्रव्यमान अपॉन में यौगिक का मोलर द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान अपॉन में यौगिक का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, इनटू में 100, ऐसे ही निकालते हैं। तो तत्व का द्रव्यमान कितना है, अरे तत्व का द्रव्यमान कितना है, तत्व का द्रव्यमान है अपने पास 2, और यौगिक का कुल द्रव्यमान कितना होता है, 18, जिसको अपन मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, इनटू में 100। जब आप 200/18 करोगे तो क्या आएगा, 11.1% आ जाएगा। क्या जाएगा, 11.1%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.18%। इसमें क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11.1%, है ना। और अगर अपन को ऑक्सीजन का पूछता तो ये किसका है, ये ऑक्सीजन का है, है ना, ये किसका है, ऑक्सीजन का। जल का एक अणु जो होता है उसमें 88.79% तो किसका होता है, ऑक्सीजन का, और ये होता है हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का। ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपन को हाइड्रोजन का पूछा है तो इसका 11.18% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 48 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी है।
48 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी है? तो भैया जब द्रव्यमान दिया हो तो मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान। अरे होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू में स्मॉल m अपॉन में कैपिटल m। यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान कितना है? 48। कितना? 48। और हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 4, है ना। 48 ग्राम अपॉन में 4 ग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 मोल आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा? 12 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 मोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मोल, है ना। 48 बटे 4 ग्राम इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 12 मोल। आएगा कि नहीं आएगा स्टूडेंट्स? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी तेजपाल, हेलो, बिल्कुल। सचिन बेनीवाल, मैं राजधानी ग्रुप का फैन हूं, बहुत बहुत स्वागत सचिन आपका, बिल्कुल। हाँ जी क्या बात है, क्या बात है, इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं दो तीन, तो लाइव क्लास में दो तीन तो इन्फ्लुएंसर बैठे हैं भैया। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या, ये सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे मुझे, सबका मैं कमेंट देखना चाहूंगा, सभी विद्यार्थियों का कमेंट देखना चाहूंगा इस क्वेश्चन में। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से कमेंट कर देंगे सारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट कर देंगे सारे विद्यार्थी कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से आंसर कर देंगे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, सारे आंसर कर देंगे भैया। अरे कर दो, सबके आंसर देखूंगा मैं, बिल्कुल सचिन, ठीक है। देख निलन जरा, जो सी कर रहे हैं ना वो गलत है, जो सी आंसर कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि सी में माइनस लगा हुआ है ना, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भैया, सी में माइनस लगा हुआ है, माइनस टेन, माइन टेन की पावर जो है ना उसमें माइनस लगा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखना। जो ए आंसर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर माइनस है, ये भी नहीं हो सकता, 10 की पावर माइनस है और 22 होती नहीं है, 23 होती है ना, तो ये दोनों नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 10 की पावर 23 होते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या। कई बार अवोगाद्रो संख्या का मान भी पूछ लेते हैं आपको, अवोगाद्रो संख्या का मान भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है? किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है? क्या बनता है? अरे अपन ने पदार्थ का क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें क्या देखा था? मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, है ना। पदार्थ का अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें एक तो होता है मिश्रण, मिश्रण दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, यानी कि स्मांगी और विस्मांगी। क्या होता है? स्मांगी और विस्मांगी। शुद्ध पदार्थ दो होते हैं, यौगिक और तत्व। क्या होते हैं? यौगिक और तत्व। तो अगर अपन इनको अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अरे क्या बनता है? मिश्रण बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रण। इसने पूछा है कि किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है, यानी कि शुद्ध पदार्थों को अपन मिलाते हैं। अब जैसे मान के चलो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है ना, तो जैसे अगर देखें तो चीनी एक यौगिक है और पानी भी एक क्या है? यौगिक है। दो शुद्ध पदार्थों को मिलाएंगे तो क्या बनता है? अरे मिश्रण बनता है कि नहीं बनता? अरे मिश्रण बनता है कि नहीं बनता? इस मिश्रण को अपन बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। विसमांगी के अंदर अपन दो पढ़ते हैं, निलंबन और
निलंबन और कॉलोइड। निलंबन को अपन बोलते हैं सस्पेंशन, क्या बोलते हैं सस्पेंशन। अरे अपन ने बहुत सारी मेडिसिन जो आती हैं, दवाइयां आती हैं और बहुत सारी ड्रिंक्स जो आती हैं उनके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। अरे आता है कि नहीं आता, शेक वेल बिफोर यूज। वो किस में आते हैं, विस्मांगी के अंदर जो सस्पेंशन होता है उसमें आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कार्बन परमाणु का एक मोल, कार्बन परमाणु का कितना ग्राम होता है। अरे कार्बन परमाणु का कितना ग्राम एक मोल होता है, सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। सरिता पांडर, कहां कंफ्यूजन आ गया आपको, पिछले क्वेश्चन में देखो, शुद्ध पदार्थ जो होता है ना, यौगिक और तत्व होते हैं, इनको अगर अपन मिलाते हैं, जैसे चीनी एक यौगिक है, पानी एक यौगिक है, इन दोनों को अगर अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण। तो भैया हमेशा जब शुद्ध पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन परमाणुओं का एक मोल जो है वो कार्बन परमाणु का कितना ग्राम होता है, यानी कि एक मोल कार्बन बराबर क्या होता है, एक मोल कार्बन बराबर क्या होता है। भैया एक मोल कार्बन बराबर होता है 12 ग्राम। कितना, 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, 12 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्लूकोज के एक मोल का द्रव्यमान कितना है, ग्लूकोज के एक मोल का द्रव्यमान। तो आपको पता है जब द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र लगता है, मोल इंटू में मोलर मास। क्या लगता है, मोल इंटू में मोलर मास। एन अपन को दिया हुआ है, एन क्या है, मोल है, यहाँ पे एन क्या है, मोल है, और एम अपन को ज्ञात करना है, कितना दे रखा है, 0.1 इंटू में, और ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है, 180। जब आप 18 को 0.8 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 18 ग्राम आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 18 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 18 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से किस में इतने परमाणु नहीं है, 6.0 × 10^23, यानी कि अप्रोक्सी अवगाद्रो संख्या की बात कर रहा है, 6.023 × 10^23 कण नहीं है या परमाणु नहीं है, परमाणु नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट में पूछ रहा है कि एक मोल कौन सा नहीं है, तो भैया 1 ग्राम हाइड्रोजन क्या होता है, एक मोल होता है, 14 ग्राम नाइट्रोजन क्या होता है, एक मोल होता है ना, लेकिन 6 ग्राम जो कार्बन है वो 0.5 मोल ही होता है, आधा मोल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 ग्राम कार्बन, क्योंकि कार्बन जब 12 ग्राम होते हैं ना तब इतने परमाणु प्रेजेंट होते हैं। कार्बन जब 12 ग्राम होगा तब एक मोल हो पाएगा, और एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, अवगाद्रो संख्या के बराबर, यानी कि 6.023 × 10^23 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, बड़ा आसान काम। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का कितना है, 14, प्लस में एक हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, लेकिन अपने पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, कितने हैं, एक हाइड्रोजन का 1U होता है ना, अपने पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो 3U हो जाएगा, है ना। तो 14 प्लस में 3 = क्या हो जाएगा रे, 17U इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 17U होता है। बहुत आसान है, ये क्लास चलेगी अभी 9:30 बजे, सूरज सर आएंगे तो वो आपको एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो ये क्लास मान के चलो 1 घंटे और चलने वाली है इसके बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17U। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, सोडियम कार्बोनेट के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो भैया क्या लिखा है, Na2
Na2CO3 क्या है? Na2CO3। अब Na2 यानी कि दो सोडियम का कितना हो गया? 46 हो गया। एक सोडियम का 23 होता है, दो का 46 हो गया, फिर एक कार्बन का 12 और तीन ऑक्सीजन का कितना हो गया? 48। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके पास कितना आ जाएगा? 48 और 12 60, यानी कि 106 ग्राम। क्या आ जाएगा? 106 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 106 ग्राम। क्या हो जाएगा? 106 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि दो सोडियम का 46 हो गया, एक कार्बन का 12, तीन ऑक्सीजन का 48, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 106 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 106 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी विलयन की सांद्रता को दर्शाता है जो तापमान पर निर्भर नहीं करता? क्या बात है, यानी कि तापमान से अप्रभावित होने वाली कौन सी चीज है जो तापमान से अप्रभावित रहती है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी विलयन की सांद्रता को दर्शाता है जो तापमान पर निर्भर नहीं करता? तो अपन ने पढ़ा था कि मोलरता जो है वो तो तापमान पर निर्भर करती है, मोलरता जो है वो तो तापमान पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि इसमें आयतन होता है और आयतन जो है वो तापमान से प्रभावित होता है, लेकिन मोललता जो है उसके अंदर अपन क्या देखते हैं? द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान ताप से अप्रभावित रहता है। ताप से क्या रहता है? अप्रभावित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोललता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोललता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोललता। वेरी गुड तेजपाल सिंह, शाबाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट, सेंटीग्रेड। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? अभी अपन 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ के आए थे, उनमें तापमान भी था, तो बताइए तापमान की एसआई इकाई कौन सी होती है? फटाफट से कमेंट कर देंगे सारे विद्यार्थी। गलत अभिषेक, अभिषेक गलत है, सेल्सियस नहीं होती है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन होती है, याद रखनी है ये चीज आपको। क्या होती है? केल्विन होती है। हाँ जी बिल्कुल, केल्विन होती है। क्या होगी? केल्विन। बिल्कुल तेजपाल सिंह, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्रमशः, पदार्थ के क्रमशः भौतिक और रासायनिक गुणों को का युग्म है? यानी कि कौन से यहां पे भौतिक और रासायनिक गुणों का युग्म है? अगर आप देखोगे घनत्व क्या है? भौतिक गुण है। और अम्लता क्या है? रासायनिक गुण है। सबसे पहले तो देखो भौतिक गुण कौन से होते हैं। भौतिक गुण के अंदर आता है रंग, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व। ये किस में आते हैं? भौतिक गुण में। रासायनिक गुण के अंदर आता है अम्लता, क्षारीयता और क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, ठीक है, क्रियाशीलता। तो इसमें अपन को पता है अम्लता रासायनिक गुण है और घनत्व क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल। संदेश कुमार, वेरी गुड। घनत्व फिजिकल प्रॉपर्टी है और अम्लता केमिकल प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ग्राम कार्बन में मौजूद मोलों की संख्या, आई थिंक मिसिंग है इसमें से, आगे डिजिट यहाँ पे मिस है। ग्राम की आपको पूछी है, यहाँ पे 6 ग्राम, यहाँ पे आएगा 6 ग्राम कार्बन में मौजूद मोलों की संख्या कितनी है? 6 ग्राम कार्बन में मौजूद मोलों की संख्या। और भैया जब द्रव्यमान दिया हो तो मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान। क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान। दिया कितना है? 6 और मोलर कितना होता है? 12। तो आ जाएगा 0.5
मोल क्या जाएगा, 0.5 मोल आपके पास आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 मोल। वेरी गुड अन्नू कुमारी, शाबाश। हाँ जी, तो 6 ग्राम कार्बन में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होती है, 0.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रोनॉमी के स्टार्ट हो जाते हैं, और सर आ चुके हैं, वो आपको एग्रोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, है ना, बिल्कुल। और क्लास को लाइक कर देंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देंगे। गुड इवनिंग, जय राजधानी, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो भाई सब लोग? बिल्कुल इजी इजी से, आसान आसान से प्रश्न है एग्रोनॉमी के जो आज मैं लेके आया हूँ। जो जेट सीयूटी का मेजर टेस्ट है ना, उसकी आज आंसर की पढ़ेंगे। बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ। जय राजधानी, राम राम। सफेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक या कॉपर? बोरॉन, मैग्नीज, जिंक या कॉपर? राम राम, हेलो। स्वागत है भाई आप सभी का, नए पुराने सब लोगों का। चलिए शुरू करते हैं कि सफेद कलिका रोग, सफेद कलिका यानी व्हाइट ब्लड डिजीज, सफेद कलिका यानी व्हाइट ब्लड डिजीज किसकी कमी के कारण होता है। तो जो सफेद कलिका रोग है किसमें होगा, मक्का में, किसमें होगा, मक्का में, और किसकी कमी के कारण होगा, जिंक। किसकी कमी के कारण, जिंक की। तो जिंक की कमी के कारण मक्का में सफेद कलिका रोग हो जाता है, धान में खेरा रोग हो जाता है, कपास और बैंगन में लिटिल लीफ, कौन सा, लिटिल लीफ, छोटी पत्ती रोग हो जाता है। यदि बात है, यदि बात आए छोटी पत्ती, यदि बात आए छोटी पत्ती की या लिटिल लीफ की, तो जो लिटिल लीफ है वो हमेशा ही जिंक की कमी से होता है। राम राम, राम राम भाई। सर आपका नेम? मेरा नेम है अभी सूरज बिश्नोई, भी एमएससी होल्डर हूँ, एमएससी चल रही है जो राजस्थान कृषि महाविद्यालय है। मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया अब तक आपको, मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को कि मेरा नाम सूरज बिश्नोई है और मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूं, और अभी एमपीयूटी आरसीए से एमएससी चल रही है ना, फाइनल ईयर है, हो जाएगी अभी। प्रणाम भाई प्रणाम। तो इंट्रोडक्शन हो गया, ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी में चाफिनेस का कारण है, सूरजमुखी में चाफिनेस, नाइट्रोजन की कमी, बोरोन की कमी, सल्फर की कमी या फास्फोरस की कमी? प्रहलाद गोदारा, इंट्रोडक्शन तो होते रहेंगे,
रमेश जी सर नहीं आएंगे क्या? रमेश जी सर नहीं आएंगे भी मैं ही आऊंगा। हनुमानगढ़ से भाई पीलीभंगा। बोरोन की कमी से फसलों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे सूरजमुखी में चाफीनेस, सूरजमुखी में चाफीनेस, रिजके में पीलापन, फलों का फटना ना, फ्रूट क्रैकिंग, फलों का फटना, फूलगोभी में होलो हार्ट, बहुत सारे रोग होते हैं। फूलगोभी में होलो हार्ट है ना, अंगूर में हैन व चिकन रोग है। तो ये सारे के सारे रोग जो है बोरोन की कमी से होते हैं ना। तो सूरजमुखी में जो चाफीनेस है, चाफीनेस का मतलब क्या है, जो पुष्प क्रम है वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा है ना, लूज हो जाएगा। तो किसकी कमी से होगा? बोरोन की कमी से होगा। एज क्राइटेरिया हटेगा? नहीं हटेगा भी एज क्राइटेरिया, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी, बी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 16वां पोषक तत्व है, 16वां पोषक तत्व कौन सा है? कॉपर है, मोलिब्डेनम है, सिलिकॉन है या निकल है? तासीर क्या हुआ है सर सूरजमुखी? एक तो भैया तो पूरा इंग्लिश में टाइप किया करो या पूरा हिंदी में टाइप किया करो, है ना, इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाती है तो मेरे को भी समझ में नहीं आता। गुरुजी आपको क्या लगता है कि क्या जेट में उम्र योग्यता हटनी चाहिए या नहीं? तो मेरे हिसाब से जो उम्र की योग्यता है वो हट जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम एज के हैं, है ना, उनको वेट करना पड़ेगा साल दो साल। और कुछ बच्चों के माता पिता जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाणे होते हैं, है ना, एज को क्या लिखा देते हैं, कम लिखा देते हैं। बेटा 12वीं कर लेता है ना, उसके बाद भी उसकी एज होती है 12 साल 13 साल 15 साल। इतने सवाल जवाब मत करो। स्टेम, स्टेम का मतलब क्या होता है? तना होता है। स्टेम का मतलब क्या है? तना है। लीफ का मतलब क्या है? पत्ती है। 16वां पोषक तत्व तो कौन सा है आप तो ये बताओ। मैं भी राजधानी में हूं, एक साल हो गया मेरे को। सोलवां पोषक तत्व है कौन सा है? मोलिब्डेनम। कौन सा है? मोलिब्डेनम। यदि बात करें 17वां पोषक तत्व तो कौन सा है? देखो क्या हुआ कि सन 1939 में आर्नोन वेस्टाउट ने 16 पोषक तत्वों की खोज की, है ना, और एक आवश्यकता का सिद्धांत दिया। तो आवश्यकता के सिद्धांत की तीन क्राइटेरिया रखे कि कौन सा पोषक तत्व जो है वो आवश्यक है और कौन सा आवश्यक नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, अब मैं बिल्कुल क्वेश्चन की बात ही करूंगा, है ना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा कि 1939 में आर्नोन वेस्टाउट ने 16 पोषक तत्वों की डिस्कवरी की, 16 पोषक तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व कहा और आवश्यकता का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कोई भी आवश्यक पोषक तत्व जो है वो पौधों की उपापचयी क्रियाओं से सीधा संबंध रखता हो। पहला सिद्धांत क्या है कि वह उपापचयी क्रियाओं से सीधा संबंध रखता हो। दूसरा, जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक हो, उसके बिना उस पौधे का जीवन चक्र जो है वो पूरा नहीं हो सकते, नहीं हो पाएगा, है ना। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था कि किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी को केवल और केवल उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरा किया जा सके, किसी अन्य पोषक तत्व के द्वारा पूरा नहीं किया जा सके, है ना, ये सिद्धांत दिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या कहा कि भी एक निकल भी है 17वां पोषक तत्व। निकल भी क्या है? 17वां आवश्यक पोषक तत्व है। क्यों? क्योंकि निकल जो है वो यूरियाज एंजाइम
यूरिएज एंजाइम का मुख्य अवयव है। अब ये यूरिएज एंजाइम क्या करेगा, यह करेगा यूरिया का जल अपघटन, यूरिया का जल अपघटन। और जब यूरिया का जल अपघटन होगा तभी क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, और पौधे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं, यह बात याद रखना, ठीक है। इसीलिए, और आपको पता है कि जो भारतीय मर्दाएं हैं वो नाइट्रोजन और जिंक में सबसे ज्यादा डेफिसिट है, भारतीय मर्दाओं में नाइट्रोजन और जिंक की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है ना, इसीलिए सबसे ज्यादा उर्वरक भी कौन सा है, नाइट्रोजन। आपने देखा होगा कि यूरिया का एक कट्टा, दो कट्टे, तीन कट्टे डाल दिए जाते हैं एक एक हेक्टेयर में, है ना, परंतु डीएपी है ना और जो पोटेशियम है वो बहुत ही कम मात्रा में डाली जाती है। तो कारण क्या है कि नाइट्रोजन की कमी जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है ना, इसीलिए यूरिया का जल अपघटन है वो बहुत जरूरी है। और करेगा कौन, यूरिया, इसीलिए निकल को क्या माना गया है, आवश्यक पोषक तत्व माना गया। 1987 में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन और उसके सहपाठियों ने कहा कि ये क्या है, आवश्यक पोषक तत्व है। अब 16वां कौन सा था, 16वां था मोलिब्डेनम, कौन सा था, मोलिब्डेनम। तो प्रश्न दो बनते हैं कि 17वां कौन सा है और 16वां कौन सा है, तो 17वां तो है निकल और 16वां है मोलिब्डेनम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आवश्यकता के सिद्धांत का पुनः अवलोकन कब हुआ। 1939 में आवश्यकता का सिद्धांत दिया गया आर्नोन वेस्टाउट, है ना, उसके बाद इसका पुनः अवलोकन किया गया केवल और केवल आर्नोन के द्वारा, किसके द्वारा, आर्नोन के द्वारा। और कब किया गया, 1939, 1954, 1987, 1958। आवश्यकता के सिद्धांत का पुनः अवलोकन कब किया गया, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बी 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 1954, बिल्कुल भी, कब किया गया, 1954 में, 1954 में आवश्यकता के सिद्धांत का पुनः अवलोकन किया गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे कि पत्तियों में वी आकार का पीलापन किसकी कमी के कारण होता है, वी आकार में पीलापन। अब जैसे ये पत्ती है, पीलापन कहां से होगा, यहां से शुरू होगा, और पत्ती जो है वो वी शेप में पीली पड़ जाएगी नाइट्रोजन की कमी से, सल्फर की कमी से, फॉस्फोरस की कमी से, या कैल्शियम की कमी से। हेलो भी, हेलो, पत्तियों में वी आकार में जो पीलापन है वो होता है नाइट्रोजन की कमी से, किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। यदि बात करें सल्फर की, तो सल्फर का काम क्या होता है, याद रखना कि तीन एमिनोमल हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, एसएमएस, ट्रिक है, एसएमएस सल्फर युक्त एमिनोमल है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। इसका मतलब क्या है, सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन, इन एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक है ना। फॉस्फोरस का काम क्या है, जड़ों का निर्माण व वृद्धि, जड़ों का निर्माण व वृद्धि कौन करेगा, फॉस्फोरस करेगा। याद रखना जो फॉस्फोरस है वो मृदा में कैसा है, अगतिशील है, इमोबाइल है। आपने देखा होगा कि फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, सबसे बेस्ट उर्वरक कौन सा है फॉस्फोरस का, डीएपी है ना,
और डीएपी जो है वो खेत में कैसे दी जाती है, वो बेसल डोज के रूप में दी जाती है। बेसल डोज का मतलब क्या है कि बीज के साथ या बुआई से पहले दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये क्या है, एक तो इमोबाइल है, इमोबाइल का मतलब क्या है, गतिशील नहीं है। दूसरी चीज जड़ों के निर्माण में सहायक है, अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ये 80 सब्सक्राइब चलेंगे तो 0 वीडियो, क्या हो रहा है भैया आदित्य अंकित, अबे साइलेंट साइलेंट तो करवा दूंगा अभी, 2 मिनट और लगेंगे, आप सब लोग ब्लॉक कर दिए जाओगे जो जो, ये असामाजिक तत्व है। हैं 2 मिनट में ब्लॉक हो जाओगे भी, फिर क्या करोगे? दो ही चीजें आनी चाहिए भी, कमेंट में क्या आना चाहिए, या तो ABCD या कोई डाउट है तो डाउट आना चाहिए, ठीक है। अब प्रत्येक चीज तो मैं यहां पे पढ़ा नहीं सकता है ना, अभी ऐसा तो है नहीं कि नाइट्रोजन से लेके और निकल तक मैं सारे के सारे पोषक तत्व पढ़ाऊं और उसमें प्रत्येक चीज पढ़ाऊं, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता है ना, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। अभी जितने प्रश्न आपने पहले 2 घंटे में पढ़े उतने मेरे को 1 घंटे में करवाने हैं, है ना, तो आप लोग ऐसी बातें करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा धैर्य तुम रखो, थोड़ा मैं रखूंगा, साथ मिलकर चलेंगे तो हो जाएंगे। प्रत्येक चीज नहीं करवाऊंगा, जो जो महत्वपूर्ण है, अब मुझे लगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये अमीनो अम्ल वाला महत्वपूर्ण है, सल्फर के तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, विटामिन एच निर्माण में सहायक है और एसिटिल कोएंजाइम के निर्माण में सहायक है, विटामिन B1 थायमिन के निर्माण में सहायक है, बीजों के आकार में वृद्धि करता है, तेल में वृद्धि करता है, सारी चीजें तो मैं पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। अब निम्न में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला पोषक तत्व है, कोबाल्ट वेनेडियम सोडियम सिलिकॉन, कोबाल्ट वेनेडियम सोडियम सिलिकॉन। आप लोगों को फ्री में सब कुछ मिल रहा है, उसका लुप्त उठाएं, लाभ उठाएं। कुछ नहीं मिलेगा 2 महीने बाद, जिनका सिलेक्शन हो गया उसकी बल्ले बल्ले और जिसका नहीं हुआ उसकी थले थले। 2 महीने मेहनत कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा ना, वरना कुछ नहीं होगा भाई, वरना सरसों निकालना खेत में। आपको पता है कि चारों के चारों क्या है, लाभदायक पोषक तत्व है, क्या है, लाभदायक यानी बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, ठीक है। कोबाल्ट का काम क्या है, विटामिन B12 का निर्माण करना, कोबाल्ट का काम क्या है, विटामिन B12 का निर्माण करना, और B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन का मतलब क्या है, कोबाल्ट है ना, नाम ही क्या है, कोबाल्ट, ठीक है। सोडियम का काम क्या है, सोडियम जो है वो हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स यानी लवणोद्भिद, जो लवणीय मृदाओं में उगते हैं या अधिक क्षारीय मृदाओं में उगते हैं वो क्या कहलाएंगे, हेलोफाइट्स, और हेलोफाइट्स के द्वारा सोडियम सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। यदि बात करें चुकंदर की ना, तो चुकंदर के द्वारा भी सोडियम एब्जॉर्ब किया जाता है। अब सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या करता है, मक्का व गन्ना, मक्का व गन्ना इन दोनों फसलों के लिए लाभदायक है, इन दोनों फसलों को रोगों से बचाता है, इन दोनों फसलों को किससे बचाएगा, कीटों से बचाएगा। सिलिका का मतलब क्या, सिलिकॉन का मतलब क्या है, सिलिका मृतिका मिट्टी, है ना, ठीक है। ये क्या करेगा कि मक्का व गन्ना को रोगों से भी बचाएगा और कीटों से भी बचाएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, वेनेडियम सूक्ष्म जीवों के लिए या ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके लिए क्या है, आवश्यक है, लाभदायक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बोरोन के खोजकर्ता कौन है, इसका उत्तर बताओ, स्प्रेंजल है, गिरीस है, रिंगस्टोन है या सेकस। बोरोन के खोजकर्ता कौन है, जल्दी बताएं भी उत्तर।
ए स्प्रेंजल प्रिंस का है, ए सोनिया, ए अंकित यादव, ए बातें तुमसे कितनी करवा लो, है ना, बहसबाजी कितनी करवा लो, प्रश्न तुम्हारा सही होता नहीं है। हितेश ग्रासिया सी, अभी तक सही उत्तर आया ही नहीं है? बोरोन के खोज करता है रिंगरस्टोन ना, गिरीस जो है वो फेरस के खोज करता है, स्प्रेंजल जो है वो किसके हैं, पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस के खोज करता है, रिंगरस्टोन बोरोन के खोज करता है, और ये है सल्फर के खोज करता, ठीक है। बोरोन और कैल्शियम दोनों एकमात्र पोषक तत्व हैं जो पौधों में गतिशील है ना, पौधों में सबसे ऊपर कौन होता है, कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम की कमी से पत्तियां जो है वो हुक्नुमा हो जाती है, कैसी हुक्नुमा, और कौन सी पत्तियां, शीर्ष पत्तियां। बोरोन की कमी से पत्तियां जो है वो कैसी हो जाएगी, चाबुकनुमा। रिंगरस्टोन होगा भाई सोनिया, रिंगरस्टोन, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, जड़ संपर्क मास फ्लो विसरण या कोई नहीं। जड़ संपर्क मास फ्लो विसरण या कोई नहीं, नाइट्रोजन कैल्शियम व मैग्नीशियम का अवशोषण किस विधि के द्वारा है, ये खोजकर्ता कैसे खोज करता है, खोजकर्ता का मतलब क्या है कि ये आवश्यक पोषक तत्व है, इस चीज की खोज की इन्होंने ना, खोजकर्ता ऐसे नहीं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर खोज की, आई बात समझ में। किशन ए प्रहलाद, ए जड़ संपर्क रूट इंटरसेप्शन, सोनिया मास फ्लो, संदीप ए, अनु ए, अंकिता सर आप ही देख लो, चलो मैं देख लेता हूं भाई। जड़ संपर्क का मतलब क्या है, रूट इंटरसेप्शन, जड़ के संपर्क में आने वाले पोषक तत्वों को जड़ें क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, सभी पोषक तत्व जो है वो इस विधि के द्वारा अवशोषित हो सकते हैं, है ना, सभी पोषक तत्वों में क्या आ जाएगा, जिंक भी आ जाएगा। मास फ्लो का मतलब क्या है, मास फ्लो, फ्लो का मतलब क्या है, बहाव, जल के बहाव के साथ पोषक तत्व जो है वो जड़ों की तरफ आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मृदा में कोई नदी बहती है ना, बहाव का मतलब क्या है, जो कैपिलरी एक्शन है ना, जो मृदा के अंदर जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो जल है उनके साथ क्या आ जाएंगे, पोषक तत्व आ जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, मास फ्लो, क्या बोलेंगे, मास फ्लो। नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम। विसरण का मतलब क्या है, डिफ्यूजन, मृदा में अगतिशील पोषक तत्व, मृदा में अगतिशील पोषक तत्व कौन से है, फॉस्फोरस और जिंक, तो अगतिशील है तो किसके द्वारा अवशोषित होंगे, विसरण के द्वारा। विसरण का मतलब क्या है कि पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, विसरण या डिफ्यूजन, तो फॉस्फोरस और जिंक। जिंक एकमात्र ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट है जो तीनों विधियों के द्वारा अवशोषित होता है, दैट्स इट, सही उत्तर क्या चला जाएगा, मास फ्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, धान में खेरा रोग की खोज किसने की, इसका प्रश्न तो, इसका उत्तर तो सबको आता होगा, सिद्दीकी, नेने, गार्डनर, लिविंग। क्वेश्चन की पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी भी, क्यों नहीं मिलेगी, है ना, आप इन नंबरों पे संपर्क करें। बिल्कुल मिलेगी क्वेश्चन की पीडीएफ, धान में खेरा रोग की खोज। खेरा रोग जो है वो पहले क्या प्रश्न आते थे कि धान में खेरा रोग की खोज, धान में खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण, ये तो क्या है, सार्वभौमिक प्रश्न है, हर बार आता है ना, हर पेपर में आता है। अब क्या प्रश्न पूछा जाता है कि खेरा रोग की खोज किसने की, बिल्कुल भी प्रिंस, किसने की, वाई एल नेने ने, किसने की, वाई एल
नेने ने कहा कि GBPUAT उत्तराखंड, GBPUAT गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस का सूचक पौधा है, फास्फोरस का सूचक पौधा है सूरजमुखी, सरसों, आलू और गेहूं। एक हॉर्स पावर में कितने ह्यूमन पावर होते हैं? 10 आदमी मिलके घोड़े जितनी पावर बनाते हैं, कितने आदमी? 10 आदमी, तो 0.1 ह्यूमन पावर होता है, वो एक हॉर्स पावर के इक्वल होता है आई थिंक। पंतनगर, बिल्कुल भाई, पंतनगर उत्तराखंड है ना, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। फास्फोरस का सूचक पौधा है सूरजमुखी, सरसों, आलू, गेहूं, जल्दी बताएं। पी किशन यादव, सोनिया 3, आलू, सरसों, फास्फोरस का सूचक पौधा सरसों, सूरजमुखी, बोरोन का सूचक पौधा आलू, पोटेशियम और मैग्नीशियम, और गेहूं, गेहूं किसका है? कॉपर, गेहूं और नींबू। आप लोगों में से कौन ये बता सकता है कि जो फास्फोरस है, जो सरसों है, उसका बीज कितने दिन में अंकुरित हो जाता है? सरसों का बीज कितने दिन में अंकुरित हो जाएगा? जल्दी से उत्तर दें। जो सरसों का बीज जो है वो कितने दिन में अंकुरित हो जाता है? आठ, एक उत्तर आया है 8। पिचासी से 90 दिन अंकुरित, इतने दिन में अंकुरित होगा फिर कैसे पार पड़ेगी? जो सरसों का बीज है वो 15 से 18 घंटों में अंकुरित हो जाता है, 15 से 18 घंटों में क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरसों किसका सूचक पौधा है? फास्फोरस का, फास्फोरस के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। यदि अपन डीएपी डालेंगे, और फास्फोरस का काम क्या है? जड़ों की वृद्धि करना, क्या काम है? जड़ों की वृद्धि करना, इसीलिए अंकुरण जो है बहुत जल्दी हो जाता है, है ना। 2 दिन के अंदर सरसों जो है वो बाहर आ जाती है, उगकर 2 से 3 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम का स्रोत है फेल्सपार, कैल्साइट, डोलोमाइट, 2 व 3 दोनों। फेल्सपार, कैल्साइट, डोलोमाइट, 2 व 3 दोनों। फेल्सपार, फेल्सपार भी 3 प्रकार का होता है, एक है एल्बाइट, एक है एनोर्थाइट, एक है कैल्साइट। क्या है? कैल्साइट। उसके बाद है कैल्साइट यानी CaCO3, डोलोमाइट यानी CaMgCO2,
CO3 की होल टू या दो व तीन दोनों? इसमें भी कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम है, सही उत्तर क्या चला जाएगा? दो व तीन दोनों, है ना। मुख्य सोर्स क्या माना गया है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का डोलोमाइट है ना, कैल्साइट के द्वारा भी प्राप्त होता है। फेरस का स्रोत है पायराइट, चैल्कोपायराइट, एक व दो दोनों, कोई नहीं। पायराइट, ठीक है। अभी इस नार इंटरनेशनल सर्विस फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसा करके कुछ होता है इसमें, इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसा करके फेरस का स्रोत है। पायराइट, चैल्कोपायराइट, एक व दो दोनों, कोई नहीं। फेरस का स्रोत कौन सा है भाई? पायराइट है ना। चैल्कोपायराइट किसका स्रोत है? कॉपर का है ना। तो फेरस का स्रोत है पायराइट। कोई भी पोषक तत्व है, जो खनिजीय पोषक तत्व है, वो कहाँ से प्राप्त होंगे? खनिजों से प्राप्त होंगे, है ना। इसीलिए उनको क्या बोला गया? खनिजीय पोषक तत्व। कुछ होते हैं खनिजीय, कुछ होते हैं अखनिजीय। अखनिजीय में है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और खनिजीय में है प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म, है ना, बड़े छोटे सारे के सारे आगे हुए हैं खनिजीय में आगे। खनिजीय क्यों बोलेंगे इनको? क्योंकि ये प्राप्त होते हैं खनिजों से। खनिज क्या होते हैं? कि जिनके एक निश्चित वे पदार्थ, जिनकी कोई निश्चित डेफिनेट स्ट्रक्चर है, पैटर्न है ना, और वो क्या प्रदान करेंगे? वो कोई भी पोषक तत्व प्रदान करेंगे, उनको क्या बोलेंगे? खनिज। और अखनिजीय ये कहाँ से प्राप्त होंगे? ये या तो वायु से प्राप्त होंगे या जल से प्राप्त होंगे, हवा और जल से प्राप्त होंगे, इसीलिए इनको अखनिजीय पोषक तत्व कहा गया है। इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, हाँ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉप लॉगिंग के खोज करता है एच एफ क्लीमेंट्स, गार्डनर, विलकॉक्स और डोनाल्ड। एच एफ क्लीमेंट्स, गार्डनर, विलकॉक्स और डोनाल्ड। तीन टर्में होती है, मैंने तीन टर्म्स बताई थी। कितनी टर्म्स बताई थी? तीन टर्म्स। एक है क्रॉप लॉगिंग, एक है वाटर लॉगिंग, एक है क्रॉप लॉजिंग। सर पढ़ाया सर से पूछने में क्या दिक्कत? बिल्कुल भी पूछो, डाउट है। ये कहाँ है? ये नीदरलैंड में है अभी। कहाँ है? नीदरलैंड में। इंटरनेशनल सर्विस है तो भारत में तो हो नहीं सकती, बाहर ही होगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो भी, आपसे निवेदन है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, ज्ञान मेरे को आपसे ज़्यादा है, ठीक है। प्लीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लें, बीच में डिस्टर्ब ना करें। डाउट आ रहा है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित, यदि आपको आ रहा है तो पूछो, यदि मैं नहीं बताऊँ तो उसके बाद मेरे को बताना कि सर आपने ये नहीं बताया। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एक बार कंसंट्रेट होके पढ़ ले। क्रॉप लॉजिंग, क्रॉप लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, ये क्या है? क्रॉप लॉजिंग, क्रॉप लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का मतलब तो क्या है? जलाक्रांतता है। क्या है? जलाक्रांति। क्या है? जलाक्रांति मतलब भूमि का जल से भर जाना। क्रॉप लॉगिंग का मतलब क्या है? पहले यह पढ़ते हैं क्रॉप लॉजिंग, अत्यधिक वृद्धि होने के कारण, यदि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा दी गई है खेत में तो उनकी वनस्पतिक वृद्धि ज्यादा होगी। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ करवाना, वनस्पतिक वृद्धि करवाना। यदि वनस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाएगी तो फसलें गिर जाएगी,
जैसे अपन सिंचाई करेंगे फसलें क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉप लॉजिंग, फसलों का गिरना, फसलों का गिरना। यदि बात करें क्रॉप लॉगिंग की, इसका मतलब क्या है कि फसलों में पोषक तत्वों का निर्धारण, फसलों में पोषक तत्वों का निर्धारण, ठीक है, और पोषक तत्वों में भी किसका, मुख्यतः नाइट्रोजन का निर्धारण। इस जो टर्म है क्रॉप लॉगिंग वो किसके द्वारा दी गई थी, एच एफ क्लीमेंट्स के द्वारा, किसके द्वारा, एच एफ क्लीमेंट्स के द्वारा। मैंने बताया आपको, एक बार नहीं बार बार बताया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारकीय पोषक तत्वों की संख्या है, कारकीय पोषक तत्वों की संख्या है, कारकीय बराबर लाभदायक प्लस आवश्यक। अब बता दो कि कारकीय पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, कितनी है, 21, बिल्कुल भी है ना, लाभदायक कितनी है 4, आवश्यक कितनी है 17, कितने हो गए 17 और 4 21, बिल्कुल। हेलोफाइट्स के लिए लाभदायक पोषक तत्व है, अभी पढ़ा था अपन ने थोड़ी देर पहले, हेलोफाइट्स के लिए लाभदायक पोषक तत्व है सिलिकॉन कोबाल्ट सोडियम वेनेडियम, सिलिकॉन कोबाल्ट सोडियम या वेनेडियम। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वे लाइक करें जल्दी से। सोडियम, इससे पहले एक प्रश्न पूछा था है ना, जिसमें क्या पूछा गया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए कौन सा पोषक तत्व जो है लाभदायक है, वेनेडियम ना? सोडियम चुकंदर के लिए और जो हेलोफाइट्स हैं जो लवणोद्भिद पादप हैं उनके लिए लाभदायक है, कोबाल्ट विटामिन B12 के निर्माण में सहायक है, और सिलिकॉन जो है वो मक्का व गन्ना में रोग प्रतिरोधकता व कीट प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरस के खोजकर्ता स्प्रेंजल रिंगस्टोन गिरीस सुमनर, इसका उत्तर बताओगे। नमस्कार भाई मनीष, सर 17वें पोषक तत्व की खोज कब की गई, अभी थोड़ी देर तो पहले बताया था, अभी 1987 में ब्राउन एट एल वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा, ब्राउन और उसके साथियों ने। फेरस यानी लोहा और लोहे की चीजों पे क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाया जाता है ना, तो लोहे की चीजों पे क्या लगाते हैं, ग्रीस, तो गिरीस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरोन किस रूप में अवशोषित किया जाता है, बोरेक्स, बोरिकमल, बोरेट या कोई नहीं, बोरोन किस रूप में अवशोषित किया जाता है। जय हिंद जय भारत।
वरुण जो है वो किस रूप में अवशोषित किया जाता है? बोरॉन का जो अवशोषण है वो किस रूप में होता है? वो बोरी कमल के रूप में। किस रूप में? बोरी कमल यानी H3PO3- बोरिक एसिड। ओके भी H3PO3 यानी बोरिक एसिड। बोरी कमल के रूप में बोरॉन का जो है अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। कोई भी न्यूट्रिएंट है, अब जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं होगा, नाइट्रोजन के रूप में अवशोषित नहीं होगा पौधों के द्वारा। इसकी एक निश्चित फॉर्म है, इसकी निश्चित क्या है, एक रूप है ना, जिसके जिस रूप में वो पौधों के द्वारा अवशोषण होगा। अब नाइट्रोजन जो है एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है, वो धनात्मक है, ऋणात्मक दोनों रूपों में अवशोषित होता है ना। इसका ऋणात्मक रूप है NO3- और धनात्मक रूप क्या है, NH4+ है ना, बोरी कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पोषक तत्व जो मृदा में अगतिशील है, नाइट्रोजन, जिंक, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो मृदा में अगतिशील है। एक चौथा ऑप्शन और लिख लेना, P&C। P&C P&C बार बार बोल रहा हूं भी, B वे सी। सही उत्तर क्या होगा इसका, B वे सी। याद रखना, एकमात्र ऐसा पोषक तत्व जो पौधों में सर्वाधिक गतिशील होता है। मैंने एक डायग्राम बना के भी आपको बताया था, एक बार फिर से बना देता हूं, याददाश्त ताजा हो जाएगी आपकी। मैं ऐसा करके एक डायग्राम बनाया था, पत्तियां ज्यादा बन गई क्या, नहीं सही है। सबसे ऊपर होते हैं कैल्शियम और बोरॉन, उसके बाद है फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, उसके बाद है फेरस, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर, जिंक, NPK, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। सबसे नीचे वाले जो हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। सबसे ऊपर वाले जो हैं वो सबसे कम गतिशील होते हैं। सबसे ऊपर वाले क्या होंगे, सबसे कम, जो एक बार ऊपर चला गया वो नीचे आना थोड़ी पसंद करेगा, है ना। एक ऊंचे पद पर चला गया वो क्या करेगा, ऊपर रहना पसंद करेगा। तो ये क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आते। जिंक क्या है, मध्यम गतिशील है या कम गतिशील है या अगतिशील है या सर्वाधिक गतिशील है? एकमात्र ऐसा पोषक तत्व जो पौधों में सर्वाधिक गतिशील होता है परंतु मृदा में अगतिशील होता है, कौन सा है, फॉस्फोरस। और मृदा में अगतिशील केवल दो पोषक तत्व है, फॉस्फोरस और जिंक। फॉस्फोरस और जिंक, B वे सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है, हाइड्रेज एंजाइम के निर्माण में सहायक है। मैग्नीज, कॉपर, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर, जिंक या सल्फर, इसका उत्तर बताएं। सोइल और प्लांट में डिफरेंट है मोबिलिटी, बिल्कुल है अभी डिफरेंट मोबिलिटी। सोइल प्लांट की तो मैंने बता दी, सोइल की जो मोबिलिटी है ना, सोइल में सबसे ज्यादा मोबाइल कौन होगे, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे ना हाईली मोबाइल, एक होगा लेस मोबाइल और एक होगा इमोबाइल। और इमोबाइल का तो मैंने बता दिया है, फॉस्फोरस और जिंक होगा, है ना। हाईली मोबाइल क्या होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होंगे, प्लस मैग्नीज। और नेगेटिव चार्ज में कौन सा है, जैसे बोरॉन है, जैसे मोलिब्डेनम है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे जो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, जैसे नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, मोलिब्डेनम MO4 2- मोलिब्डेट आयन के रूप में, ये बोरी कमल के रूप में, इन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज वाले सारे के सारे क्या होंगे, हाईली मोबाइल होंगे। प्लस एक अपवाद है मैग्नीज, जो कि प्लस वाला होता है। और लेस मोबाइल में कम गतिशील के अंदर जितने भी प्लस वाले हैं, जैसे जिंक है, जैसे कॉपर है,
जैसे कैल्शियम है, जैसे निकल है, फेरस है, मैग्नीशियम है, इसका उत्तर बताएं जल्दी से भाई। कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फूलगोभी में बहुत सारे रोग लगते हैं, लगा रखी है क्या फूलगोभी आपने? मैग्नीज 3 नंबर, जिंक अंकित यादव, अनु इसका उत्तर क्या होगा भाई? जिंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के निर्माण में सहायक है जिंक, हार्मोनों के निर्माण में सहायक है जिंक, कौन? जिंक। ट्रिप्टोफेन से, ट्रिप्टोफेन क्या है? एक एमिनोमल है। ट्रिप्टोफेन से ऑक्सिन के निर्माण में, ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है, निर्माण में सहायक है कौन? जिंक। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिलहनी फसलों हेतु उपयोगी पोषक तत्व है? फूलगोभी में विप्टे लगता है, फूलगोभी में होलो हर्ट लगता है ना, फूलगोभी में बटनिंग होता है। बटनिंग, बटनिंग का मतलब क्या है कि जो फ्लोर है फूलगोभी का वो छोटा हो जाएगा, है ना, मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी, जो फूल है वो पूरा अपना आकार ले नहीं पाएगा ना। नाइट्रोजन की, किसके कारण होता है बटनिंग? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण या कमी के कारण? बटनिंग जो है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है या अधिकता के कारण होता है? बिल्कुल बिल्कुल भी, सब लोग उत्तर दे रहे हैं क्या? सल्फर। तिलनी फसलों में, तिलनी फसलों हेतु उपयोगी पोषक तत्व है सल्फर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है कितनी? 17। यदि 2 ग्राम नमक को 1 लीटर पानी में घोला जाए तो कितने ppm का सॉल्यूशन बनेगा? इसका उत्तर दें भाई। यदि आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो बिना नेट में देखे, बिना गूगल पर सर्च किए इसका उत्तर दें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिना नेट पर सर्च किए इसका उत्तर दें कि यदि 2 ग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए तो कितनी ppm का सॉल्यूशन बनेगा? यदि 2 ग्राम नमक को 1 लीटर में घोला जाए कितने ppm का सॉल्यूशन बनेगा? यदि आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं करना, याद रखना है कि 1 मिलीग्राम जो है वो 1 लीटर में 1 ppm का सॉल्यूशन बनाता है। 1 मिलीग्राम 1 लीटर में 1 ppm का सॉल्यूशन बनाता है। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम 1 लीटर में कितने ppm का सॉल्यूशन बनाएंगे? 1000 ppm का।
जब एक एमजी एक लीटर में एक पीपीएम का बना रहा है तो हजार एमजी एक लीटर में हजार पीपीएम का बनाएंगे। अब मैं इसको हजार एमजी को एक ग्राम भी तो लिख सकता हूं, एक ग्राम एक लीटर में हजार पीपीएम। अब एक ग्राम की जगह यदि दो ग्राम करें तो कितना हो जाएगा, 2000 पीपीएम। उत्तर क्या चला जाएगा, 2000 पीपीएम। अगला प्रश्न है कि ऐसा पोषक तत्व जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों रूपों में अवशोषित किया जाता है। नाइट्रोजन ऋणात्मक रूप है NO3-, धनात्मक रूप है NH4+। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पौधों में मध्यम चालक पोषक तत्व है, मध्यम चालक पोषक तत्व कौन सा है। पौधों में मध्यम चालक पोषक तत्व है जिंक, कौन सा है जिंक। चालकता के आधार पर पौधे में पोषक तत्वों को अपन ने पढ़ा था। विटामिन एच के निर्माण हेतु सहायक पोषक तत्व है। विटामिन एच के निर्माण में विटामिन बी वन, एसिटाइल कोएंजाइम, इन सबके निर्माण के लिए सल्फर उत्तरदायी है। तिलनी फसलों में तेल की मात्रा भी सल्फर बढ़ाएगा, है ना, और इन सब का निर्माण भी सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्वों में अधातु पोषक तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में अधातु पोषक तत्व है निकल कॉपर बोरॉन और जिंक। कॉपर अधातु पोषक तत्व थोड़ी है भाई, बोरॉन है अधातु पोषक तत्व। कल क्लास जो है वो अपनी रहने वाली है लगभग 7:30 या 7:40। सूक्ष्म पोषक तत्वों में एकमात्र बोरॉन है जो अधातु है, बाकी सारे के सारे क्या है, धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान में अकोची रोग का कारण है H2S की अधिकता, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता, हाइड्रोजन सल्फाइड की कमी, सल्फर की कमी या कोई नहीं। कल क्लास भी 7:30 पे लगेगी अपनी क्लास, ठीक है। तो धान में अकोची रोग का कारण H2S की अधिकता है। धान में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धान में फेरस की कमी से भी एक रोग हो जाता है ब्राउनिंग, तो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है तो अच्छी बात है, तो याद रखना फेरस की कमी से क्या हो जाता है ब्राउनिंग। और इसके लिए FeSO4 फेरस सल्फेट डाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुकंदर में हार्ट रोट, ये हर्ट है, हर्ट रोट का कारण है बोरोन नाइट्रोजन सल्फर या जिंक। अकोची रोग के अंदर क्या हो जाता है, जो पत्तियां जो है वो झुलस जाती है ना, जल जाती है, धान होता है अभी प्रहलाद गुजारा मानगढ़ गंगानगर की तरफ क्या होता है, धान होता है, टिप बर्न डिजीज हो जाता है। H2S की अधिकता के कारण, सल्फर की अधिकता के कारण क्या होगा,
पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाएंगी, झुलस जाएंगी, जल जाएगी। स्किप करें भाई, चुकंदर में हर्ट रोग जो है, हर्ट रोट बिल्कुल भी, बोरॉन है ना, इसके कारण होगा, बोरॉन की कमी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक पोषक तत्व है, अभी बताया था मैंने कौन सा है, जिंक है ना, जिंक के द्वारा ही ट्रिप्टोफेन से क्या बनेगा, ऑक्सिन हार्मोन, तो हार्मोनों के संश्लेषण के लिए जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलिब्डेनम का सोर्स है, मोली मोली यानी ओली, मोलिब्डेनम मोली मोली यानी ओली, ओली कौन सा है, ओलिवाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनिमल आ गई, एनिमल भी मेरे को भी करवानी है। एनिमल का पहला प्रश्न है कि कील दांत पाए जाते हैं, कील दांत, कील दांत कौन से होते हैं भी, जो मांसाहारी प्राणियों में होते हैं, किन में होते हैं, मांसाहारी प्राणियों में। कील दांत, जो कील दांत को बोला जाता है केनाइन टीथ, केनाइन, पशुओं में आपने देखा होगा, सभी में कैसे होंगे भी कील दांत, कील दांत जो है वो, हाँ भाई, कुत्ते में भी होंगे, बिल्ली में भी होंगे, सूअर में भी होंगे, सभी में होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सभी में होंगे। देखो क्या होता है, यदि मैं बात करूं किसी पशु के मुंह की, है ना, तो ये मान लो नीचे वाला जबड़ा है, नीचे वाले जबड़े में सबसे आगे की तरफ क्या होते हैं, आठ दांत होते हैं, कौन से, इंसाइजर, कौन से, इंसाइजर यानी कर्तन दांत। आठ के बाद यदि पशु है कैसा, नॉन रूमिनेंट, या कुत्ता बिल्ली है ना, या मांसाहारी पशु है, उसके अंदर क्या होंगे, कील दांत। उसके बाद एक दो तीन, एक दो तीन, ये तीन क्या है, प्रीमोलर, अग्र चवर्णक, और अग्र चवर्णक के बाद क्या आएंगे, चवर्णक, एक दो तीन, एक दो तीन, देखो ये तीन हो गए, ये तीन हो गए, और ये आठ हो गए। अब ये जो आठ हैं नीचे वाले जबड़े में, ये सिर्फ नीचे वाले जबड़े में होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में इसकी जगह क्या होता है, डेंटल पैड होता है। आपने देखा होगा कि जो गाय या भैंस है उसमें ऊपर वाले मुंह में दांत नहीं होते, है ना, ऊपर वाले जबड़े में दांत नहीं होते, यदि हाथ लगा के देखेंगे तो उस पर क्या होता है, गद्दे नुमा या मांसल संरचना होती है, जिसको डेंटल पैड बोला जाता है। तो आठ तो ये हो गए, है ना, अब ये क्या है, तीन प्रीमोलर है और तीन इधर प्रीमोलर है, तीन और तीन छह, छह नीचे वाले में जबड़े में है तो छह ऊपर वाले जबड़े में होंगे, बारह ये हो गई और बारह ये हो गए, बारह और बारह चौबीस, चौबीस और आठ बत्तीस, तो टोटल दांत कितने हो गए, बत्तीस, किन में, गाय भैंस भेड़ बकरी में, जिनमें कील दांत नहीं पाए जाते। यदि कील दांत होंगे तो कील दांत कितने होंगे, दो नीचे और दो ऊपर, कितने होंगे, चार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बकरी के मांस को कहते हैं बफन मटन, ये है भाई चेवन, बफन मटन चेवन या चिकन, चेवन या चिकन, ये है। यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी सेम यही होता है, आगे होंगे क्या, प्रीमोलर, सॉरी इंसाइजर, इंसाइजर के बाद केनाइन, केनाइन के बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर। मनुष्य में भी केनाइन दांत होते थे, परंतु अभी क्या हो गए, विलुप्त हो गए, क्योंकि पहले मनुष्य भी क्या था, कच्चा मांस खाता था, या मांस खाता था, शुरू शुरू में क्या था, मांस खाता था। और मनुष्य के अंदर अपेंडिक्स भी होती है, जो एक अवशेषी अंग है, पहले उसका काम क्या था कि जो मांस है उसको पचाना, या कच्चा मांस है उसको पचाना, ठीक है। चेवन, बिल्कुल बिल्कुल भी सही उत्तर क्या है, चेवन। बफन भैंस के मांस को, मटन
भेड़ के मांस को, चिकन मुर्गी के मांस को, है ना, पोर्क सुअर के मांस को, टेंडर कुड़क मुर्गी के मांस को, और कुड़क मुर्गी किसको बोला जाता है, जो अंडे देना बंद कर देती है, ऐसी मुर्गी जो अंडे देना बंद कर दे क्या कहलाएगी, कुड़क मुर्गी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैंस में स्थाई दांत का सूत्र है, स्थाई दांत कितने होते हैं अभी 32, और अस्थाई दांत कितने होते हैं 20, है ना, ICPM, ICPM, ये ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा, अभी अपन ने पढ़ने हैं, तो जोड़े को हटाने के लिए अपन दो से गुणा कर देंगे तो दांत क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब कौन सा सूत्र फिट बैठेगा, ए ए, बहुत सारे लोग जो हैं उत्तर दे रहे हैं ए, ए को लॉक कर दें भाई, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0033, 0033, 40403, बिल्कुल वैसा ही। ये क्या है, नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाले जबड़े में मैंने क्या बताया था, इंसाइजर यानी आगे वाले दांत पीछे चलेगी, है ना, जो इंसाइजर है वो कितने होंगे, 8 होंगे, तो 4 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 8, ठीक है। अब ये क्या है, 3 3 3 3 नीचे वाले जबड़े में और ऊपर वाले जबड़े में होंगे तो 3 3 3 3, ठीक है, तो 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16 और 16 2 32, बिल्कुल पहला जो प्रश्न है, पहला ऑप्शन है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी में कील दांत की संख्या है, बकरी में कील दांत होते नहीं तो 0। पशुओं में उम्र ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम दांत हैं, कौन से दांत हैं उम्र ज्ञात करने के लिए, राम राम भाई, राम राम, राजीव कुमार, जो सामने वाले दांत होते हैं ना वो उम्र ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, और सामने वाले दांत कौन से होते हैं, कर्तन यानी इंसाइजर, बिल्कुल बिल्कुल भी ए ए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कारी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश, कहां है, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल भी यूपी, यूपी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि टैगिंग किसमें प्रचलित है, यदि बात करें टैगिंग की तो टैगिंग का नाम आज है इसका मतलब क्या है, मुर्गी, टैगिंग जो है वो मुर्गी में प्रचलित है, टैगिंग जो है वो किस में प्रचलित है, मुर्गियों में, गाय भैंस में क्या है, कागना ब्रांडिंग या टैटूइंग भी प्रचलित है, है ना, सबसे बेस्ट मेथड भी कौन सा होता है, टैटूइंग। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम यूपी, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट मखदूम यूपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भेड़ का मांस कहलाता है, अभी भी पढ़ा था, जो भेड़ का मांस है वो क्या कहलाएगा, मटन, सुअर का मांस पोर्क, सुअर का मांस क्या होगा, पोर्क, भेड़ का मांस बी मटन, भेड़ का मांस क्या कहलाएगा, मटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बकरी का जंतु नाम है, जूलॉजिकल नेम है बकरी का,
जंतु नाम कौन सा है? ओविसेरीज भेड़ का होता है, कैप्रा हिरकस बकरी का होता है, बॉस इंडिकस और बॉस टोरस गाय की दो प्रजातियां हैं, बॉस इंडिकस देसी और विदेशी है ना, बॉस टोरस क्या है? विदेशी। विदेशी जो है वो कुबड़ रहित होती हैं और जो अपने देसी हैं उनमें कुबड़ पाया जाता है ना, तो बॉस टोरस। सस इंडिकस या सस सक्रोफा किसका नाम है? सुअर का नाम है ना, तो कैप्रा हिरकस क्या हो जाएगा? बकरी का। बिल्कुल बिल्कुल ब्राजील कट्टर हिंदू भी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में पशु उत्पाद नहीं है, चमड़ा पशु उत्पाद है, हड्डी पशु उत्पाद है, दूध पशु उत्पाद है, कागज, कागज तो पौधों का उत्पाद है, पशु उत्पाद नहीं है, कागज जो है वो पशु उत्पाद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुअर के मांस को कहेंगे, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं है ना, पोर्क क्या कहेंगे? पोर्क। बीफ गाय के मांस को, चिकन मुर्गी के मांस को, मटन भेड़ के मांस को। सर उत्तर हमें बताने दो, आप ही लग रहे हो उत्तर सही करने, बता दो भी तुम बता दो, समय कम था इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी करवा के आप लोगों को फ्री किया जाए, ताकि आप लोग क्या है आराम से सो सके, नींद ले सके। बैकॉन, बैकॉन किसको बोलेंगे भाई? जो साल्टेड मीट होता है ना, तो दारा जो साल्टेड मीट है उसको क्या बोलेंगे? बैकॉन। साल्टेड का मतलब नमक लगाया हुआ। टेडिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं, पशुओं की आयु पता लगाने के लिए उसके किस अंग को नहीं देखा जाता? खुर को देखा जाता है या नहीं जाता बताएं, सींग दांत या टांग किसको नहीं देखा जाता? इतने इजी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल प्रश्न उत्तर है। ट्रेडिंग भी आपने लिखा है, मुझे भी समझ में नहीं आया। नहीं सर जेट के बाद ही नींद आई, ये तो बिल्कुल भी जेट में अच्छे से पढ़ी है और फिर एमपीयूटी उदयपुर में सिलेक्शन लीजिए, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, ठीक है। आपके स्वागत के लिए हम तत्पर हैं, यहां से ग्रेजुएट होइए। और टांग, बिल्कुल बेटांग, इतने आसान आसान प्रश्न है। गायों में कुल अस्थाई दांतों की संख्या होती है 10, 18, 20, 28, ये तो पर पहले ही पढ़ चुके हैं। 32 स्थाई है, 20 अस्थाई है, तो 20। प्रिंस मीणा आरसीए, बिल्कुल भी, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, सपना होना चाहिए आपका है ना, एक जेट वाले विद्यार्थी के लिए। जब मैंने तैयारी की थी तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, तो जब मैंने तैयारी की थी जेट की, तो उस टाइम क्या है कि हमारे कोचिंग में ऐसे माहौल बना दिया जाता था कि उदयपुर एमपीयूटी, उदयपुर उदयपुर ऐसा है, उदयपुर वैसा है ना, एमपीयूटी सिलेक्शन हो गया उसके बाद लाइफ सेट है, जीवन सफल है ना, जिंदगी में कुछ नहीं करना। तो नहीं भी, मैं उदयपुर से नहीं, मैं हनुमानगढ़ से हूँ। कहाँ से हूँ? हनुमानगढ़ पीलीभीत। उदयपुर में मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने यूजी यहीं से की है ना, एमएससी यहीं से कर रहा हूँ आरसीए से। तो उस टाइम क्या था कि माहौल बन गया कि उदयपुर जाना है, तो हमने क्या किया, मेरे साथ एक मित्र और भी था, हम दोनों का यहीं पे एडमिशन हो गया। तो हम लोगों के दिमाग में बस उदयपुर रहता था कि उदयपुर जाना है, उदयपुर जाना है, एम्प्यूटी लेना है, तो सिलेक्शन हो गया, तो हमने उदयपुर पहली चॉइस भरी, उदयपुर मिल गया हमको। उसके बाद क्या था कि 2018 में एडमिशन लिया था मैंने, तो उस टाइम क्या था कि आईसीआर का एग्ज़ाम हुआ था ना, तैयारी हमने बहुत अच्छे तरीके से की थी, तो आईसीआर का एग्ज़ाम हुआ। आईसीआर में हमने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, आईसीआर का फॉर्म ही नहीं भरा, फॉर्म भरा था एग्ज़ाम नहीं दिया, हमने सोचा कि अब तो उदयपुर मिल गया है तो और क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो उस टाइम क्या था कि आईसीआर का एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो गया और दोबारा आईसीआर का एग्ज़ाम हुआ था, हमने उस बार भी नहीं दिया, और दोबारा एग्ज़ाम देने बहुत ही कम विद्यार्थी गए थे,
आप देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना, 2018 में आईसीएआर का एग्जाम 2 बार हुआ था, तो उस टाइम भी नहीं दिया है ना। तो हमसे जो क्लास में सबसे नीचे आते थे या जो सबसे, मैं बोलूँ कि सबसे बुद्धू प्राणी थे, उनको भी अच्छी अच्छी कॉलेज मिल गई, और राजस्थान की से बाहर अच्छे अच्छे अच्छी अच्छी जगह है ना, जैसे पंतनगर है, जैसे पीयू लुधियाना है, जैसे अच्छे यू हिसार है ना, ऐसी अच्छी अच्छी कॉलेज मिल गई। यदि क्या पता अगर हम भी देते हैं तो हमें भी कुछ अच्छा मिल जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी भैंस के सींग पर 2 छल्ले दिखाई देते हैं तो उसकी आयु क्या होगी, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? यदि किसी भैंस के सींग पर 2 छल्ले दिखाई देते हैं, राजधानी की, मैं तो अभी उदयपुर ब्रांच में हूँ ना, उदयपुर में पढ़ता हूँ और उदयपुर में ही पढ़ाता हूँ, 4 वर्ष है ना, 3 प्लस छल्लों की संख्या, सॉरी 2 प्लस छल्लों की संख्या। पहला छल्ला जो है वो 3 साल की उम्र में आता है और उसके बाद प्रत्येक साल एक एक छल्ला आता है। तो पहला छल्ला 3 साल की उम्र में आएगा, मतलब 2 प्लस 1, एक क्या है, छल्लों की संख्या है ना, तो 2 प्लस छल्लों की संख्या, जितने छल्ले होंगे यदि उसमें 2 जोड़ देंगे एज आ जाएगी, तो 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, गायों में स्थाई दांत के मोलर दांतों की संख्या कितनी है? स्थाई दांत के मोलर दांत, यानी मोलर, मोलर कौन से होंगे, एक प्री मोलर आगे वाले और मोलर चवर्णक दांत, अग्र चवर्णक और चवर्णक होते हैं ना, तो चवर्णक दांत कितने होंगे, 8, 12, 6, 4। झुंझुनू में भी कॉलेज है क्या एग्रीकल्चर के? झुंझुनू में क्या करोगे भी है ना, यदि आपको बीएससी करनी है तो एक अच्छे कॉलेज से करें ना, एक अच्छे एफिलिएटेड कॉलेज से करें। नहीं भाई, मुझे नहीं पता झुंझुनू में भी कॉलेज है या नहीं। झुंझुनू में शायद नहीं होगा भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लासमेट हैं झुंझुनू से, मित्र हैं जिन्होंने उधर ना हनुमानगढ़ गढ़साना से, गज सिंहपुर गोलवाड़ा से, वहां से किया है बीएससी। अगर उन वहां पे होते कॉलेज तो वहां से नहीं करते। मोलर, मोलर का मतलब क्या है, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, 3, 6, 9, 12, क्या चला जाएगा उत्तर, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, भैंस में नहीं पाए जाते अग्र चवर्णक, चवर्णक, कर्तन या कील दांत, कील दांत नहीं पाए जाते, तो अपन पढ़ ही रहे हैं बार बार कि कील दांत किस में होंगे, जो मांसाहारी हैं प्राणी उनमें होंगे। कौन सा पशु जुगाली करता है, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर? अब भैंस को तो अपन ने देखा है जुगाली करते हुए, तो भैंस जुगाली करेगी, बिल्कुल आसान आसान से प्रश्न है। आवासीय जुगाली करने वाला पशु है भैंस, गाय, भेड़, ऊंट। आवासीय जुगाली का मतलब क्या है, आवासीय जुगाली करने वाला पशु यानी स्यूडो रूमिनेंट है। कुछ होते हैं रूमिनेंट, कुछ होते हैं स्यूडो रूमिनेंट, कुछ होते हैं नॉन रूमिनेंट। स्यूडो रूमिनेंट में ऊंट व लामा, ऊंट व लामा। और स्यूडो रूमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जिनका आमाशय केवल 3 भागों में विभाजित होता है, और रूमिनेंट का मतलब क्या है कि जिनका आमाशय 4 भागों में विभाजित होता है। 4 भागों में विभाजित होगा, कौन कौन से, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। इसका एक डायग्राम भी होता है, बाद में कभी पढ़ेंगे अच्छे से, कि रूमेन, रेटिकुलम और रूमेन जो भाग है वो क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, स्टोरेज का काम करता है। रेटिकुलम क्या करता है, सबसे छोटा भाग होता है, मछली के छत्ते के समान होता है, कोई भी नुकीली चीज है वो उसको कलेक्ट करेगा, है ना। और आगे आता है रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम। एबोमेजम क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, अतिरिक्त जल है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और जैसे ही आगे चलेंगे तो ओमेजम आएगा, और ओमेजम जो है वो सत्य आमाशय कहलाता है। यदि किसी पशु में ओमेजम भाग अनुपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा, वो स्यूडो रूमिनेट कहलाएगा। यदि उसमें उपस्थित है तो क्या कहलाएगा, रूमिनेट कहलाएगा। और रियल में
एब्जॉर्प्शन का काम भी कौन करेगा? ऑमेजम तो रूमिनेंट है, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट व लामा है ना, बाकी जो क्या है नॉन रूमिनेंट, जिनमें जो अमाशय है वो विभाजित नहीं होता, अमाशय तो होगा परंतु विभाजित नहीं होगा, अमाशय में कोई विभाजन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। CSWRI सेंट्रल वूल एंड सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर टोंक, अविकानगर टोंक, बीकानेर यूनिवर्सिटी के लिए जेट में कितने नंबर ले आना पड़ता है? ओके, कितने क्वेश्चन है सर जी, और कितने क्वेश्चन है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से करवा रहा था भी ना, आपको नींद आने लग जाएगी। बीकानेर जेट में नंबर का मत सोचो भी, है ना। फिर से एक किस्सा सुना देता हूँ, है ना, तुम लोग पूछ रहे हो तो, कि हमारी कोचिंग में यह कहा जाता था कि 90% से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने उस समय 2018-2017 में, क्योंकि उस टाइम जो है वो जो मेरिट है वो जाती थी बीकानेर की 300 नंबर और उदयपुर की जाती थी 310 नंबर, तो हमें बोला जाता था कि 90% अटेम्प्ट करोगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस टाइम क्या हुआ कि 2018 में पेपर हो सकता है इजी था, हो सकता है हमने तैयारी अच्छी की थी, है ना, उस टाइम पेपर जो है वो काफ़ी लीक भी हुआ था, बिका भी था। तो उस टाइम क्या था कि मैंने प्रश्न किए थे 113, पहली बार में 113 अटेम्प्ट किए थे। कोचिंग वालों का ये कहना था कि यदि 90 से ऊपर करोगे इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने 113 किए थे, है ना, अब धीरे धीरे करते करते मैंने 117 कर दिए। उस टाइम मेरिट गई 382 नंबर। तो मेरिट का कुछ नहीं कह सकते, मेरिट डिपेंड करती है किस पर, मेरिट किस पर डिपेंड करती है, मेरिट पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है। ठीक है सर, अच्छी कॉलेज से बीएससी के बेनिफिट तो बता दो। कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ बेनिफिट नहीं होते, है ना। बेनिफिट तो होंगे भी, एक तो आपकी फीस कम लगेगी, अच्छे कॉलेज में आओगे फीस कम लगेगी, अच्छे कॉलेज में आओगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका जो है वो फ्रेंड सर्किल बनेगा आपके। और यदि किसी ऐसे वैसे प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो दिमाग भी कैसा हो जाएगा, उनके जैसा हो जाएगा। IVRI इंटरनेशनल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेमेंट से गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है क्या सर? ये पहले हम भी सोचते थे भी पेमेंट से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, पर पेमेंट से भी उनको मिलेगी जिनके नंबर अच्छे होंगे, है ना। आप जैसे 382 मेरिट गई है किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, यदि उसके नंबर है 370 से 380, है ना, या उसके आसपास के, सबसे पहले नॉर्मल सीटें भरेंगी रैंक के हिसाब से, है ना। जैसे 10 नॉर्मल सीटें हैं तो 10 रैंक तक बच्चे जो है वो नॉर्मल पे आएंगे और 11वें रैंक वाला क्या आएगा, पेमेंट पे आएगा, यदि वो भरा रहा है तो पेमेंट। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बिना पेपर दे या आप कम नंबर आए तो भी पेमेंट भर के अपन गवर्नमेंट से कर लेंगे। IVRI है यूपी। 114 निम्न में से कौन सा संस्थान आनंद गुजरात में स्थित है? NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में है, अमूल आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड गुजरात में है, तो ए व सी दोनों। और ये आखिरी क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, जिन भाषाओं के पीछे, जिन शब्दों के पीछे यदि कल्चर लगा हो। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, है ना, 11 बजने को है, मेरे को जाके खाना खाना है, सोना है, सुबह भी क्लास है क्रैश कोर्स की, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। एग्रोनॉमी वाले क्वेश्चन जो मैंने आराम से करवाए थे। कृषि विज्ञान शब्द कौन सी भाषा का शब्द है जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ हो, जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, आर्बोरिकल्चर है, वो किस लैंग्वेज के होंगे, वो लैटिन लैंग्वेज के होंगे। जिन शब्दों के पीछे लॉजी या नॉमी लगा हो वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो ये दो चीज़ें याद रखना, ऐसा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यदि बात करें पोमोलॉजी की, तो पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक शब्द है। पोमम, पोमम का मतलब क्या है, फ्रूट, लोगस का मतलब क्या है, स्टडी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नाउन एज पोमोलॉजी, है ना। और पोमम किस भाषा का है, लैटिन, और लॉजी ग्रीक भाषा का है। सीयूटी का पेपर भी कब है आपको पता होना चाहिए प्रीतम, यदि किसी बच्चे को पता है कि सीयूटी का पेपर कब है तो भी प्रीतम को बता दें कमेंट करके, मुझे तो नहीं पता।
बता दे, मैं ये उत्सुक हो रहा है बहुत ज्यादा पेपर देने के लिए। लगता है प्रीतम की तैयारी अच्छी है सीयूटी की। ओके भी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, गुड नाइट। नववर्ष की एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाई, कल मिलेंगे नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय राजधानी।